बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। अवां ॾिसी रहिया आहियो पंहिंजो प्रोग्राम सलाम सिंधु, ऐं असीं तव्हांजी ख़िदमत में हाज़िर थी आहियूं। तव्हांजा पंहिंजा मेज़बान मूंखे चवंदा आहिनि इरशाद जागीरणी मूंसां गॾु आहे। बिल्कुलु नाज़रीन, मां आहियां तव्हांजी होस्ट सदफ़ भुटो। सभु खां पहिरियां सिंध टीवी जो ख़ूबसूरत प्रोग्राम सलाम सिंध में मां तव्हां सभिनी खे दिलि जी गहराइनि सां भलीकार थी कयां। उमेदु कंदसि तव्हां बिल्कुलु ठीकु ठाक हूंदो, ख़ुशि हूंदो, मज़े में हूंदो, ऐं ख़ुशि हुजण बि घुरिजे। कराचीअ जे मौसम जे बारे में जेकॾहिं मां तव्हांखे ॿुधाईंदी हलां त कल्ह राति खां बारिश पइजी रही आहे, ऐं काफ़ी मुख़्तलिफ़ इलाक़नि में बारिश पई आहे। कुझु जॻहियुनि ते न बि पई आहे, पर जिन इलाक़नि में पई आहे उते ॾाढो मज़ो अची रहियो आहे। झुड़ लॻा पिया आहिनि, झुड़ जी मौसम त उहो बि हर इंसान खे वणंदी आहे, छो त झुड़ कराची में तमामु घटि निकिरंदो आहे ऐं ॾाढो मज़ो ईंदो आहे। सुबुह जो मां अचां पई त मां हिकिड़ो तव्हां सभिनि खे हिकिड़ी ॻाल्हि चवंदी हलां, जिन जेके जेके बारिश खे इंजॉय बि कंदा आहिनि पर बारिश जो थोरो माण्हू ख़्यालु बि कंदो आहे। मां जॾहिं अचां पई त सुबुह जे टाइम ते मां ॾिसां पई त काफ़ी जेके रिक्शे वारा आहिनि या कार वारा आहिनि एतिरी स्पीड में वञनि पिया उन बारिश जे पाणी मां निकिरंदा, त तव्हां उनजी बारिश जो जेको पाणी आहे, जेके बाइक वारा ऑफिस वञी रहिया आहिनि उन्हनि जे कपिड़नि ते, उन्हनि जी जेकी जीन्स हुयूं, उन कुझु माण्हुनि जा सॉक्स हुया, कुझु जैकेट्स हुयूं, उन्हनि जूं ख़राब पियूं थी वञनि। त बारिश जे पाणी में जेकॾहिं असां उतां थोरो स्लो करे असां उतां पंहिंजी गाॾी कढंदासीं त ॿियनि खे असांजे नबी पाक बि चयो आहे तव्हांजी ज़ात सां कंहिंखे तकलीफ़ न थिए, उहो सुठो इंसान, उहो बहितर इंसान आहे। ऐं असां वटि असांखे वॾाई एतिरी हूंदी आहे असांजी, असां जेकॾहिं पैक गाॾी में वेठा आहियूं, असांजी गाॾी जा शीशा चढ़ियल, असां गाॾी एतिरी स्पीड में था कढूं त उनजा कपिड़ा, उनजी जैकेट, उनजी हर शइ ख़राब थी वञे। पर मां बाइक वारनि खे बि इहो चवंदसि, तव्हां बि थोरो ख़्यालु कंदा कयो, जॾहिं बाइक वारा ॾिसंदा त हाणे असां हितां गुज़री वेंदासीं, असांजूं जेके पाणी जूं छींडूं आहिनि असांखे कोन ॿियनि खे लॻंदियूं, उहे एतिरी स्पीड में निकिरंदा आहिनि त उनजी वजह सां बाइक जो पाणी त मां सम्झां थी इलाही जॻहियुनि ते लॻंदो आहे, गाॾियुनि जे मथां, रिक्शनि जे मथां, ॿार स्कूल वञनि पिया, उनजा कपिड़ा बि ख़राब थियनि पिया। त इहो मूंखे थोरो ॾाढो ॾुखु पियो थिए त इंसान खे ॾिसो ईअं न करणु घुरिजे बारिश जे पाणी खे, मां सम्झंदी छा था चयो, छा तव्हां सही 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 बिल्कुलु ईअं न करणु घुरिजे। ऐं असां ॾाढी ज़बरदस्त ॻाल्हि कई आहे। सो बहरहाल मुल्की सूरत हाल जेकॾहिं इन खां विझूं था त कोरोना जी जेका सूरत हाल आहे उहा तमामु घणी गणितीअ वारी थींदी थी वञे, लहर तेज़ीअ सां अचे पई। ऐं असद उमर साहिबु थोरी देरि पहिरियां बि बयानु ॾिनो आहे त जेकॾहिं पाण संगीन इन मामले खे न सम्झोसीं ऐं संजीदा न थियासीं त पोइ इहा लहर अञा वधीक तेज़ीअ सां, छो त थधि वधी वई आहे जीअं तव्हां ॻाल्हि कई त बारिश बरसाति खां पोइ सॼी सिंध में बरसाति पई आहे ऐं मुख़्तलिफ़ ॿियनि शहरनि में त कराची खां वधीक पई आहे बरसाति, पोइ थधि में इलाही इज़ाफ़ो थी वियो आहे। सो थधि में इज़ाफ़े खां पोइ ज़ाहिर आहे त पाण खे बुखार, ज़ुकाम, इहे मामला थींदा रहंदा आहिनि। जी जी जी, सो कल्ह त ॾिठो पए तव्हां त जमील सुमरे साहिब खे पीपल्स पार्टीअ जो जेको अॻवान आहे उनखे कोरोना, उनजी मुसबत अची वई आहे, पॉज़िटिव अची वई आहे। उनखां पोइ वरी इहे चोबोल बि हुया त पीपल्स पार्टीअ जो जेको चेयरमैन आहे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहिबु, उनखे बि कोरोना पॉज़िटिव जो रिज़ल्ट अची वियो। पर उनखां पोइ वरी इहा तस्दीक थी आहे त जमील सुमरे साहिब सां काफ़ी मुख़्तलिफ़ सियासी सरगर्मियुनि में गॾु रहिया आहिनि त इन जे करे हुननि पाण खे पाण आइसोलेट करे छॾियो आहे। पर उन्हनि जी जेका टेस्ट आहे उहा अञा रिज़ल्ट जेको आहे उहो न आयो आहे, सोशल मीडिया ते करे छॾियो इहो त बिलावल भुट्टो ज़रदारी कोरोना में मुबतला थी वियो, पर इहा ॻाल्हि अञा ताईं तस्दीक थियल न आहे। अगेन मां उहो हलीम आदिल शेख जे बारे में ॿुधणु चाहींदसि त पीटीआई जा असां आहिनि MPA, उन्हनि खे बि कोरोना थी वई आहे, उहे बि 15 ॾींहनि जे लाइ पंहिंजे घर जे या पंहिंजे कंहिं जॻह ते सेफ जॻह ते पाण खे उन्हनि बंदि करे छॾियो आहे। उनखे उहा ई हले पियो ऑक्सीजन वग़ैरह जी उहा ई प्रॉब्लम थिए पई, त असां बि उनजे लाइ दुआ ॻायूं त उहो जल्द खां जल्द ठीकु थी वञनि। ॾिसो असां चवंदा आहियूं त वॾनि माण्हुनि खे बीमारियूं कोन लॻंदियूं आहिनि, हर वक़्तु ग़रीबनि खे इहा थींदी आहे, त अहिड़ी ॻाल्हि आहे वॾनि खे बि ॾिसो फाइनली कोरोना जी जेकी बीमारी आहे असांखे दुआ करणु घुरिजे, असांखे पंहिंजी केयर करणु घुरिजे, पर असां केयर कयूं कोन था, कोरोना ॿियो ॾींहुं वधंदो थो। केयर करण में यादि आयो त तव्हां जेकॾहिं थधि में पहिरीं उघाड़े घुमंदो घर में बि त मसालो वधी सघे थो, इन जे करे तव्हां स्टाइलो जो सेंडल तव्हां सां गॾु हुजे, तव्हांखे पातल हुजे, उन सां थींदो ईअं त तव्हां थधि खां बि बची पवंदो। स्टाइलो जा सेंडल ॾाढा ज़बरदस्त अची विया आहिनि मार्केट में, ऐं कीअं आहिनि उन्हनि में, कहिड़ी ख़ुशूसियत आहे, सदफ़ इन हवाले सां तव्हांजी। बिल्कुलु, स्टाइलो जे बारे में जेकॾहिं मां पंहिंजे व्यूअर्स खे ॿुधाईंदी हलां त असां पंहिंजे घरनि जे अंदरि जेकी कारपेट या असांजा जेके टाइल्स वग़ैरह लॻियल हूंदा असां उते स्लीपर्स घणो करे यूज़ कंदा आहियूं, ऐं सैंडल वग़ैरह जो सैंडल बि आहे, उन्हनि जूं पंपी बि आहिनि, ऐं न्यू कलेक्शन बि उनजी वेदर कलेक्शन आई आहे, उन जे लाइ तव्हां ॿारनि जा पंहिंजा शूज़ वठी सघो था ईज़ीली। ॿारनि खे त असां हाणे ॿार बिल्कुलु ई पहिरियां तव्हां चवां पैसा नथा कढी न वठी वेंदा आहियूं, पर हाणे त मां चवंदी आहियां त वाक़ई में न वठी वञणु घुरिजे, बिल्कुलु ई उन्हनि खे सेफ रखणु घुरिजे पंहिंजे घर जे अंदरि।
बार कोरोना के लिए जल्दी कवरेज कन था उनके जल्दी उनके पान के पिक कन था तो उनके लिए से सेव करना है पर खैर गाल स्टाइल जो थी रही है तो बार भी न्यू कलेक्शन अची वही है तो उनके घर वेठे नेट था तो उनके ऑर्डर किया स्टाइल जो सब का पहला कम है तां तई उनन जो ऑर्डर पहुंचाएं तां जो पांजो ऑर्डर पहुंचाएं जे चवंदा है तो जो चाहो वो पाओ बाकी में स्टाइल उन गाल के बिल्कुल ही साबित किया है तो तमा जे शे के चाहो ता वो शे तमा के यकीनन जरूर मिलंदी है एनर्जी चाहे वेडिंग कलेक्शन भी आए कुहार जा मंगणी जा जेके उन जे शूज हैं पंपियों हैं उनजी जेके हील वाले चप्पलन के मानु इलाही पसंद कंदी हैं छोकरियों खास करे त हील वाला उनन वट शूज हैं स्लीपर्स हैं असन जेके पोड़ियों अम्मा हैं वो भी इजीली वटी सकंती 12 जा जेके बैग हुंदा हैं असन जेमे टॉफी वगैरह कुछ एक ब किताब रखी छ उनन जा कुछ रांदी का रखी छ इजीली उनन वट बैग भी हैं परफ्यूम भी हैं त उनन जी परफ्यूम के भी एंजॉय करे सको परफ्यूम जी छा त खुशबू हुंदी है माने हर परफ्यूम उनन जो बाकायदा खुशबूदार है जिते भी जे महफिल में ता वणो था त उते ता मानु पुछा जरूर कंदा माने स्टाइल जो परफ्यूम वण का पो ता जिते भी जरूर पुछा कर यार परफ्यूम कड़ो है सो परफ्यूम उन जबरदस्त है खुशबूदार है उनकी महक है वह ताजगी है वह बरकरार रही है काफ़ी देर तई सो उन परफ्यूम भी मार्केट में मौजूद है स्टाइलो जहाँ तुम मार्केट में वही सोता स्टाइलो जो कें ब्रांच में स्टाइलो जो पंजा का शहर में उनका 170 का आउटलेट्स विजिट कर सोता जी तक सदफ़ बुदा तो ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सोता स्टाइलो सर्च कद मिली वो उन बारे में सारी मालूम तक मिली वी स्टाइलो कल्चर के हिसाब से भी तमाम घा सुा सेंडल मुतारफ़ कराया हाँ तो पा सकाफती ढी भी मल्हूँ पाया पर इन सा गो शादी जहाँ ढी भी अचन पाया मुख्तलिफ़ जगह मुख्तलिफ़ बरादरन में मुख्तलिफ़ शहर में किथे पदरी थे पी किथे मंगणी थे पी किथे सालगिरह थे पी किथे शादी जहाँ दुल तमाम बुधूँ था पा सो इन मौके से जैसे स्टाइलो तुम्हारा गड है स्टाइल से वह शादी थी वी स्टाइल से वह पार्टी थी वी स्टाइल से जिंदगी गुजारी स्टाइलो मार्केट में मौजूद है तुम वी सोता स्टाइलो जहाँ तमाम सुठा प्रोडक्ट है मतलब चवण जो यो है न सिर्फ सैंडल बल्कि बैग्स बिल्कुल 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 गड़ो गड परफ्यूम भी उनका जबरदस्त मार्केट में अची वह सो हाँ हलूँ था मौजूद मेहमान की तरफ मौजूद मेहमान प्रोग्राम में हिस्सों आज सब का पे मेहमान शख्सियत असा गड है पा होम्योपैथिक के हवा से तमाम घनी जान रखन था अज पा मुख्तलिफ़ मर्जन से उन्होंने मुख्तलिफ़ बीमारियों तो उसे बीमारियों होम्योपैथिक की दवाओं से केतो कंट्रोल करो कंट्रोल में अचन थी या नी अचन पा होम्योपैथिक डॉक्टर आन गोल्ड मेडलिस्ट भी आज पा प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड भी उन्होंने वो है सो भलीकार चूं था डॉक्टर रशीद ई वयानी साहब डॉक्टर अब्दुल रशीद होम्योपैथिक स्पेशलिस्ट जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम कैसे हैं आप ठीक हैं तबीयत सही है आपकी सही अच्छा जी ब्यास के ऐसे गेस्ट हैं वो हैं एहसन अजीज फैशन डिजाइनर अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप ठीक हैं तबीयत सही है आपकी वेलकम टू सन टीवी शो अच्छा जी साद खान फैशन मॉडल अस्सलाम वालेकुम आप कैसे हैं ठीक हैं अच्छा इन नौजवान जो वरी यो कंट्रीब्यूशन पे आए तो कुछ नहीं पेरा डाडो सुठो एक फैशन ने एक इवेंट इन कयो जी तमाम घणा वडे अंग में मानू पहुंची गया होया जी जेका फैशन डिजाइनिंग आए या फैशन मॉडलिंग के हवाले से पा अजू कचहरी कंदी पर फैशन अजकल जरूरी आ कदें कदें ये पा सदफ तो पुराना जी छल फैशन तब्दीली खूबी खासियत होंगी है फैशन न सिर्फ कपड़न में पा चूँ पर कदम कदम फैशन भी होंगे कदम कदम कें स्टाइल जो फैशन भी थी सो इन समूह मामलों में पा कचहरी घर भाती के भी शामिल कह हलो जी 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 बिल्कुल असा गड है असो साथी मोहरम नाज साहब उनके भलीकार चूं था मोहरम नाज साहब अज जै किट में आए जै स्टाइल में आए तो लगे तो भाई सर्दी आ नहीं रही सर्दी आ गई है भाई सीत आए बारिश भी थी अज हां नहीं बिल्कुल अल्लाह सही था के हयाती रे थोरो भोग करे वठो उमर पे आए हां आई है ये गाल सही था जो तो सीत थींदो सही हम उमर के एहसास दिदो ताके एहसास सीटर न आयो सो बहरहाल ये भी डिया है कदे कदे ये भी थींदो तो सी वधिक लगंदो खैर एहतियात करण घुर्ज हरूभरू सी सा भी पा कड़ी वेड़ा क्यों कड़ी हरूभरू अग्रह क्यों कड़ी हरूभरू गर्मी बर्दाश्त है ना सर्दी बर्दाश्त है सर्दी शुरू शुरू थी सियारा इंदा को हाय सी हाय सी गर्मी की शुरुआत थी को गर्मी अची वही है सही 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 डॉक्टर साहब क्या हो रहा है आजकल किस मर्ज पे तजुर्बा हो रहा है की भाई इस मर्ज का खात्मा चाहिए पाकिस्तान में खात्मे के लिए तो बहुत सारे मसले हैं एक मर्ज नहीं हमराज हैं बहुत सारे हमराज, हमराज। पाकिस्तान भर में कुछ तो हम लोग की लापरवाही की वजह से कुछ कुदरती आफात हैं जैसे कि कोरोना का मसला चल रहा है
इस पर लास्ट प्रोग्राम में भी डिस्कस हो चुके हमारे, लेकिन आज एक एक बर्निंग इश्यू है बांझपन। ये बहुत ज़्यादा मैंने देखा है मेरी प्रैक्टिस में कि पेशेंट काफ़ी हैं इसके, इसके रीज़न बहुत सारे हैं, तो उस पर मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आपको बताता चलूँ जी, हमारे नाज़रीन को भी कुछ मालूमात मिले इससे कि इससे कैसे बचा जा सकता है, कैसे इसका इलाज हो सकता है, क्या क्या प्रोसीजर, क्या टेस्ट होते हैं, क्या ज़रूरत होती है। हमारे असल में वैसे तो मेडिकली कंसीव ना करना, आफ्टर मैरिज कंसीव ना करने को बांझपन कहते हैं। बाज़ फैमिलीज में जैसे बच्चे होते ही नहीं, होते हैं तो एक या दो, और उसके बाद कंसीव करना चाहें तो वो नहीं हो पाते, तो उसके भी बहुत सारे रीज़न हैं। असल में हमारे यहाँ ये होता है कि शादी के बाद जो कपल्स होते हैं वो वेट करते हैं कि एक दो साल के बाद हम कंसीव करेंगे। सही, ये इनके अपनी प्लानिंग्स होती हैं, और बाद में जब कंसीव करने का वक्त आता है तो उसमें बहुत सारी पेचीदगियाँ हो जाती हैं। अब इसमें दो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं दोनों को, मेल के प्रॉब्लम अलग हैं, फीमेल के अलग हैं। तो जब भी किसी डॉक्टर के पास जाएं तो मेल भी अपना प्रॉब्लम डिस्कस करे अगर उसके साथ है प्रॉब्लम, और फीमेल जो है उसके प्रॉब्लम भी हैं। सही, अब उसमें बहुत सारे रीज़न और भी हैं जिसमें ख़वातीन में पॉलीसिस्टिक ओवरीज को जैसे पीसीओ कहते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरी की वजह से भी बांझपन होता है। अच्छा, फेलोपियन ट्यूब होती है ब्लॉकेज हो जाए उसमें, उससे भी बांझपन होता है। अच्छा, दूसरी बात पीरियड्स का मसला अगर डिस्टर्ब है और हो ही नहीं रहे, तो चूंकि जब तक ये एबनॉर्मल रहेंगे कंसीव नहीं कर पाएगा, बेबी नहीं हो पाएगा, तो इसको भी कंसिडर करना चाहिए, इसका भी इलाज कराना चाहिए। सही सही। इसी तरह मेल साइड पर भी उनके स्पर्म्स के प्रॉब्लम्स होते हैं, या तो स्पर्म्स का काउंट कम होता है या बिल्कुल ही नहीं होता। ठीक, बिल्कुल ना होने पर कहते हैं उस कंडीशन को मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एजोस्पर्मिया। एक होता है कि स्पर्म्स होते हैं लेकिन कम होते हैं, एक्टिव कम होते हैं, मोटाइल कम होते हैं, मोटिलिटी उसमें कम होती है, मोमेंट कम होती है, उसको ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं हमारी मेडिकल लैंग्वेज में। और एक होता है कि बिल्कुल ही ना होना, उसको मैंने बताया जैसे एजोस्पर्मिया होता है। तो जहाँ पर मोटेलिटी कम हो और टोटल काउंट भी कम हो उसका इलाज मुमकिन है। अच्छा, एजोस्पर्मिया बिल्कुल स्पर्म्स हैं ही नहीं, उसके भी रीज़न बहुत सारे मैं डिस्कस करूंगा प्रोग्राम के साथ साथ, तो उसमें फिर बहुत मुश्किल है। सही सही, इलाज मुमकिन है, कौन सा इलाज है इस पर बात करते हैं। एहसन खान भी हमारे साथ हैं, एहसन अजीज साहब, तो माशाल्लाह फैशन का कोई एक मतलब डे मनाया था आपने, क्या किया था आपने? वर्क तो मैं 8 साल से कर रहा हूँ, बट अभी ऑफिशियली मैंने वेबसाइट भी अपने लॉन्च किया sanidbrand.com के नाम से। अच्छा, तो उसमें हमने मेल फीमेल कलेक्शन दोनों की थी। कलेक्शन में क्या क्या भाई अवेलेबल है? इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको मैं गिफ्ट करूंगा। कुर्ता कलेक्शन अभी मैंने लॉन्च की थी और कुछ फीमेल वेस्टर्न कलेक्शन। आजकल न्यू वेदर कलेक्शन में क्या चल रहा है, मतलब शॉक कलर, लाइट कलर्स हैं जी? अभी आगे विंटर, तो विंटर में तो ऑलमोस्ट ज्यादातर शॉक कलर जो होते हैं डार्क कलर्स यूज करते हैं, जैसे नेवी ब्लू और ब्लैक है, क्योंकि अब आपको पता है वेदर अगर लाइट कलर पहनेंगे वैसे ही सर्दियों के दिन है, और जो जितने भी डार्क मूड होते हैं सर्दियों में वो आपके लिए एक तो वाइब्रेंट लगते हैं बहुत और आपके लिए कम्फर्टेबल यूज करते हैं। सर्दियों में ये होता है कि आंखों को वो चुपते नहीं है, कलर चुपते नहीं है और बंदा कंफर्टेबल होता है, क्योंकि अगर आप डार्क जो कलर्स हैं वो धूप में पहन के गर्मियों में निकलेंगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम्स होती है, बट ये सर्दियों में आप कुछ भी पहन लें डार्क कलर कोई इशू नहीं होता, स्पेशली जैसे ब्लैक हो गया, डार्क नेवी ब्लू हो गया, इस टाइप के क्लोथ। सही 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 सही। बाकी अब आ गई हैं सर्दियाँ, तो सर्दियों के लिहाज से तो हम लोग कलेक्शन भी डिफरेंट बना रहे हैं, लॉन्ग शर्ट्स आ गई हैं, टाइट्स आ गए हैं, पहले तो उसमें गर्मियों में तो हर चीज़ चल जाती है स्लीवलेस फीमेल्स की, और मेल्स का जो है पहले हम लाइट मतलब लेलन और इस टाइप के कुर्ते यूज कर रहे थे, अब थोड़ा डार्क खादी और डार्क मतलब थोड़ा जो कपड़े का डार्क स्टाइल है वो थोड़ा सा भी सर्दी लगती है ना। सही सही। तो इसलिए ऐसे कलेक्शन भी डिफरेंट किया अभी विंटर के लिहाज से हमने। सही सही। अभी रिसेंटली हुआ था फैशन जो,
उसके अलावा मेरे फैशन शूट्स चल रहे हैं, मैं जीवल टाइम्स मैगजीन में एज अ कोऑर्डिनेटर भी हूँ फैशन का। अच्छा अच्छा, तो शूट्स कराता हूँ डिफरेंट ब्रांड्स के भी। अच्छा, जो फैशन शो किया था आपने वो बिल्कुल ही अपने बलबूते पे किया था? नहीं, वो कंबाइन था सारा। अच्छा। मैं उसमें एज अ डिजाइनर था वहाँ। अच्छा, और भी डिजाइनर्स थे वहाँ पे, मतलब कोऑर्डिनेशन थी सबके मिलकर। सही सही सही, बहुत अच्छा इवेंट हुआ था, मतलब डिफरेंट डिजाइनर थे, सबके अलग अलग कलेक्शन थी, मैं भी था उसमें, कोऑर्डिनेशन थी, मॉडल्स कोऑर्डिनेशन की थी उसमें। तो उसमें क्या होता है, परचेजिंग भी वहाँ पर होती है या सिर्फ देखने के लिए लोग आते हैं? क्या बेसिकली जो फैशन शो, क्योंकि कभी फैशन शो में मैं गया नहीं, इसलिए पूछ रहा हूं। नेक्स्ट इंशाल्लाह दिसंबर जैन में होगा तो आपको इनवाइट करेंगे जरूर। सही सही। असल में बेसिकली जो फैशन शो का कॉन्सेप्ट है इसलिए होता है कि आप अपनी ब्रांड्स को, मॉडल्स को और मेकअप आर्टिस्ट इनको प्रमोट करें, मतलब जो आप अपनी सारी कलेक्शन जो होते हैं वो शोकेस करेंगे एक जगह पे, उसमें मीडिया कवरेज होती है, डिफरेंट टीवी वाले आते हैं। अच्छा। मैगजीन्स वाले आते हैं, शूट्स वगैरह होते हैं, मतलब पिक्चर्स लेते हैं सारे। सही सही। फिर वो ऑफिशियली पूरे पाकिस्तान में लॉन्च होते हैं, सोशल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, टेलीविजन पे। अच्छा। तो उसमें होता है मॉडल भी हम न्यू लॉन्च करते हैं, जो न्यू टैलेंट होता है उनको भी प्रमोट करते हैं। उसके अलावा डिजाइनर्स अपने न्यू कलेक्शन लाते हैं, ओल्ड भी होते हैं, जैसे मैं तो 8 साल से काम कर रहा हूँ, न्यू हमने लॉन्च किए थे कुछ, मतलब वहाँ पर मॉडल से किट वर्क वगैरह। जी जी, उसमें और फी है, जैसे मेकअप आर्टिस्ट होते हैं वो भी अपने करते हैं, तो एक समझे फैमिली वर्क होता है, होम वर्क होता है सारा। तो उसमें होता है फिर आपकी कैटवॉक करते हैं, कैटवॉक में होता है कि आप डिफरेंट अपनी कलेक्शन रैंप पे पेश करते हैं। सही सही सही। अच्छा जी, हमारे साथ साद खान भी हैं, फैशन मॉडल। आप क्या करते हैं, मतलब फैशन में मॉडलिंग सिर्फ या फैशन डिजाइनर भी हैं आप? नहीं, इनके साथ मॉडलिंग करते हैं, 2 साल हो गए मुझे। अच्छा अच्छा। इनके जो शो होते हैं या कुछ भी, अगर रैंप के वॉक हो जाए या शूटिंग्स हो जाए इनकी, तो उनके साथ काम करते हैं। क्वालिफिकेशन चल रही है आपकी, तालीम? वो मैंने कर लिया, ग्रेजुएशन है आईटी के अंदर, कर लिया। उसके बाद फैमिली का नहीं है कि आप रिसेप्शन में, ज्यादातर लोगों को फैमिली मना ही करती है कि बेटा ये अच्छी चीज़ नहीं, वो नहीं करना चाहिए। ये अच्छी बात है, सपोर्ट करते हैं। हाँ, कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है। अच्छा। लोग बोलते हैं जैसे एक फैशन जो हो गया, अब एक करियर हो गया। पहले ये होता था कि पहले बहुत कम, जब मैंने 8 साल की बात करें तो अगर 8 साल आप बैक जाएंगे तो आपको भी मुश्किल होती होगी कि यार नए लोग, नए फेस नहीं मिल रहे। जब मैं 8 साल पहले स्टार्ट किया था तो मैं फैशन मैगजीन्स में सिर्फ शूट्स करता था, सोशल मीडिया का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, तो अब लोगों को पता ही नहीं था, हम लोगों से एक्सेस लोगों का इजी नहीं था। हाँ, अब हाँ। लोग मॉडलिंग करना चाहते थे लेकिन अब किस तरह, और फैशन मैगजीन हर कोई नहीं पढ़ता। सही बात, क्योंकि इससे एक अच्छे लाइट क्लास के लोग ही फैशन मैगजीन पढ़ते हैं नॉर्मल। अब जब से सोशल मीडिया हो गया, हर किसी फेसबुक इंस्टाग्राम, इससे एक्सेस इजी हो गया, कांटेक्ट करते हैं लड़के मॉडलिंग वगैरह के लिए, तो फिर हमको चांस देते हैं। इनको भी मैंने लॉन्च किया था। अच्छा, अच्छा। जी, स्टडी करते हैं, बट ये क्या लोगों ने अपना प्रोफेशन बना लिया, एज अ करियर यूज कर रहे हैं, एजुकेशन भी कर रहे हैं और मॉडलिंग भी साथ साथ कर रहे हैं। अब तो फैमिलियां बहुत सपोर्ट करती हैं। आपने मॉडलिंग नहीं की कि मैं, मुझे मॉडलिंग करनी चाहिए? मैं क्योंकि मैं शुरू से एक डिजाइनर काम किया, अकॉर्डिंग मुझे शौक भी नहीं था, मुझे बैक पे रहने का शौक था। अच्छा। और मतलब हाइट वाइट भी नहीं है उसके लिए, तो हाइट वाइट बॉडी वॉडी चाहिए होती है। ये तो है, लेकिन आजकल आप देखो हर कद के लोग चल रहे होते हैं। नहीं, मैंने शूट्स किए हैं, मेरे अपने शूट्स हैं मैगजीन में, एज अ डिजाइनर पर इंटरव्यू है उसमें, मैंने फैशन शोज मैंने काफी अटेंड की है, मुझे जी जी। बड़ा अच्छा लगता है कि हमारे काफी अच्छी अच्छी मेरी दोस्त हैं फैशन शोज में, रक्षना चौधरी हैं शायद, मैं भी शायद आपने उनका जी नाम जी सुना, नाम सुना है ना, अच्छी है, बड़ी अच्छी है, वो भी उसमें है। मिस मुमताज हो गई और है ये फारिना रुबाब हो गई, जी जी, मेरी अच्छी फ्रेंड्स है और बड़ी अच्छी टॉप मॉडल्स हैं ये भी। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जो स्टार्ट किया बहुत अच्छे, आप आई थिंक नाम सुना होगा, सारा लॉरेंस जो इंडिया में भी काम करके आई है, उनके मैंने शूट्स किए हैं, फिजाली एक्ट्रेस जो है, सी मैगजीन पाकिस्तान का टॉप है उसमें मेरे शूट्स हैं, जीवल टाइम्स, रिवाज, बहुत सारे मैगजीन्स में मैंने शुरू से मैगजीन्स में काम किया और तकरीबन सारी अच्छी टॉप मॉडल एक्ट्रेस उनके साथ मैंने वर्क किया। अच्छा, शुरू का जमाना अच्छा था या अभी सोशल मीडिया का जमाना? मतलब पुराना जमाना बहुत अच्छा था क्योंकि लोग कम तंग करते थे, काम बहुत लिमिटेड होता था और अच्छा होता था। अब इतना हो गया कि अब टाइम नहीं मिलता, क्योंकि एक तो मतलब सब जब से सोशल मीडिया है ना, हर कोई फैशन में आना चाहता है, हर किसी, लड़का हो लड़की हो, कोई मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहता है। फैशन का ये है कि पब्लिसिटी जल्दी मिल जाती है, लोग आपको जो है ना जल्दी वो फोकस करने लगते हैं कि यार ये चेहरा बड़ा अच्छा है। लेकिन फैशन शो में ये है कि पेमेंट भी अच्छी होती है, इंसान जो है थोड़ा वो ज्यादा, जो 8 घंटे स्ट्रगल कर रहा है वो 2 घंटे में आपका जब रिकवर हो रहा है तो फिर 6 घंटे मजीद अपने होता है कि एक साथ आपको पूरी मीडिया कवरेज मिल जाती है। एक छोटा सा वक्फा ले लेते हैं, अच्छी बात मुझे ये लगती है। जी भलीकार चाहूँ था तक प्रोग्राम सलाम सिंध में, सलाम सिंध में तडियल हूँ जुड़ल हूँ। अज कम जो गालू तमाम घणी, खास तौर पर असू भेनरू
असा भायर भी अजो प्रोग्राम इंजॉय कंदा सा ही असा गुफ्तगू कंदा उन्हें जे लाई प्रोग्राम कंदा डॉक्टर साहब आप बता रहे थे इन मसाइल के बारे में थोड़ा सा और ब्रीफ कर दें क्या इलाज है क्या तरीकेकार है तरीकेकार से पहले मैं आपसे इससे पहले मैं एक सवाल करना चाहूंगी कि अक्सर था जो पहले जो नॉर्मल डिलीवरी होती थी लोग कहते थे ठीक है नॉर्मल हुआ है ऑपरेशन जिसका होता था कहते थे बहुत बड़ी बात है इसका ऑपरेशन हो गया आज तो ऑपरेशन ही आम जाम हुआ पड़ा हुआ है और जिसके नॉर्मल होते हैं कहते हैं ये बड़ी बात होगी इसके नॉर्मल हो गया तो ऑपरेशन के बाद जो स्टिचेस लगे हुए होते हैं उसके जो हमारे जो पेट का जो चर्बी कह लो या फिर वो कुछ लोग ये कहते हैं कि हवा भर गई या कुछ ये कहते हैं कि भाई आपने पानी ज्यादा पी लिया पानी भर गया तो अक्सर होता क्या है और उस पेट को लेवल में करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। अच्छा हॉस्पिटल से निकलते हैं तो वो तो कहते हैं आप दुपट्टा बांध लें बेल्ट बांध लें लेकिन जब स्टिचेस लगे हुए डॉक्टर आप खुद सोचें तो स्टिचेस के ऊपर अगर हम बेल्ट बांधेंगे तो फिर तो स्टिचेस पे जोर पड़ेगा प्रॉब्लम हो जाएगा सही और 6 महीने तक तो हम डाइट कर ही नहीं सकते 6-8 महीने तक क्योंकि अगर हम डाइट करेंगे ऑलरेडी इतना ब्लड हमारा निकल चुका होता है कि हमें फौरन वीकनेस हो जाती है। सही कह रहे हैं इसका हल मुझे बताएं कि पेट को अंदर करने के लिए जिनका ऑपरेशन हुआ है 92-95% से भी ज्यादा मैं कहूंगी कि पेट निकल ही जाते हैं इसके लिए आप मुझे थोड़ा बताएं। सवाल माशाल्लाह आपके बहुत अच्छे हैं और बहुत ही कॉमन है और तकरीबन डिलीवरी के बाद पेशेंट्स जो आती हैं कि हमारा पेट बड़ा हुआ है और उस पे स्कार्स भी हो जाते हैं स्कार बने हुए हैं खराशे भी होती हैं बादल टाइप की निशान पड़े हुए होते हैं उसमें छाइयां जैसे नहीं होती इस टाइप का डिस्कलरेशन भी हो जाता है। असल वजह ये होती है कि हमारे यहाँ पर एक मैं जो जितने भी गायनेकोलॉजिस्ट हैं उनसे माजरत के साथ कि वो ज़्यादा कोशिश करते हैं कि ऑपरेट हो जाए हमारे यहाँ सास साहिबा जो होती है ना वो डिलीवरी होने वाली होती है बहू की इसको खिलाओ पिलाओ ताकि सेहतमंद बच्चा हो और खिलाओ पिलाओ ताकि दूध भी ज़्यादा सही बने उसको पिला सके सही। अब वो खिला खिला के जो है ना वो उनको बराबर कर देती हैं उसके बाद क्या होता है कि जब डिलीवरी हो जाती है जी। तो वही खिलाई पिलाई सामने आ जाती है। सही बात है। अब होता ये कि पेट में फैट डिपोजिशन हो जाती है एक तो फैट डिपोजिशन है नंबर टू स्टिचेस जब लगते हैं तो आमतौर पर भी उसकी वजह से आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा बल्की हो जाता है उसका पेट। इसका मैं ये समझती हूँ कि जब स्टिचेस लगते हैं तो हमारा वहाँ से पेट दबता है पर जब हमारे पेट की जो खाल नीचे आ रही होती है अगर हमारी नॉर्मल डिलीवरी होती है तो वो बिल्कुल ही प्लेन हो जाएगा लेकिन स्टिचेस जो लगे हुए होते हैं तो वहां पे वो रुक जाता है हमारे स्किन की किसी भी जगह पे जब हमें चोट लगती है तो वहां की खाल हमारी दब जाती है वो हो जाता है कि मतलब स्टिचेस का भी मैं समझती हूँ तो 50% हमारे स्टिचेस ने पेट दबाया है तो 50% पेट जो लटका है तो वो पूरा सत्यानाश हो जाता है। ये लास्ट हमारे प्रोग्राम में इस सिन टीवी पर ही मैं हाजिर हुआ था जी और उसमें स्मार्टनेस एंड फिटनेस की बात मैंने की थी कि गायनी प्रॉब्लम्स डिस्टर्ब स्मार्टनेस एंड फिटनेस हाँ बिल्कुल उनमें एक ये भी चीज हम आज ऐड कर देते हैं कि ये जो पेट डिपोजिशन हो जाता है पेट में बल्कि हो जाता है पेट तो उसमें जरूरत इस बात की है कि जहाँ पर स्टिच लगे हुए हैं जब तक स्टिच सही ना हो जाए यानी कि हील ना हो जाए उस तक उस वक्त तक अच्छा डॉक्टर लेकिन 6-8 महीने का अगर हम गैप देते हैं कि भाई 6 महीने तक तो हमारे अंदर के टाके ठीक होंगे 6 महीने के बाद जो है फिर हमारा वो 2 महीने में 3 महीने ऊपर के स्टिचेस ठीक हो जाएंगे। साहब आपका मोबाइल शायद ऑन है तो ऑडियो में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है तो वो थोड़ा सा ऑफ कर दे क्योंकि आपकी ऑडियो क्लियर नहीं आ रही जी। असा हमारे साथ साद खान भी साद खान क्या मतलब फील होता है जब आप वॉक करते हैं और एक मतलब उसी वक्त आपको फीडबैक मिलता है कि भाई वाह क्या बात है तो खुशी होती है अच्छा लगता है बेहतर तारीफ कौन करता है ज्यादा लड़कियां लड़के सभी करते हैं मेल फीमेल दोनों करते हैं। अच्छा तो उस वक्त अच्छा लगता है कि भाई मैं सही फील्ड में आ गया हूँ। हाँ क्योंकि मेरी तो ऐसे आईटी फील्ड है पर मैंने इसलिए लिया मैंने कहा इसमें ज्यादा मुझे थोड़ा इंटरेस्ट था तो मॉडलिंग की तरफ और फिर मुझे ऑफर ही किसको देखा क्यों ये मुझे खुद ही से इन्होंने ऑफर की थी एहसन अजीज ने फेसबुक के तरफ से खुद ही ऑफर की इन्होंने इनको आपने इनका तो इंटरेस्ट ही नहीं इन्होंने मेरा इंटरेस्ट भी था फिर मुझे खुद से ही ऑफर आ गई फिर मेरा एक दोस्त भी कर रहा था तो उनके जरिए से इन्होंने मुझे ढूंढा था तो उसके बाद स्टार्ट किया था। जबरदस्त जबरदस्त। तो आजकल जो दूसरे शहरों में या दूसरे मालिक में भी फैशन वीक होते हैं फैशन शो होते हैं तो वहाँ पर कोई इस तरह का मौका मिला आपको जाने का किसी मैंने एक तुर्की में शूट किया था लास्ट अच्छा। मैं वो मैगजीन शूट किया था एक ये ड्रामा चल रहा बड़ा फेमस तुर्की मेरा सुल्तान उसकी थीम पे किया था मैंने लेकिन वो तो खत्म हो गया ना मेरा सुल्तान पुराना था मतलब शूट को पुरानी बात कर रहे हैं
तो उसमें पूरा जो बादशाह वाला ड्रेस था उस टाइप का, लेकिन हुआ वो तुर्की में ही था। अच्छा। बहुत जबरदस्त शूट हुआ था। उसके अलावा अभी मेरा रिसेंटली एक इटली में है, इस्तांबुल का सुना था, उनकी रिकॉर्डिंग इस्तांबुल में चल रही थी। मैं हाँ, वो शो तो वही हुआ, ड्रामा वही हुआ था, मैंने शूट किया था उसकी थीम पे। अच्छा, मतलब यहाँ से मॉडल भी पाकिस्तानी था वो, और सारा वहाँ तुर्की में किया था, पूरा वो तख्त वख्त था वहाँ पे, पूरा बनवाया था, पूरा ड्रेस पूरा बादशाह वाला था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये इंटरनेशनल लेवल का मैंने शूट किया था तुर्की में लास्ट ईयर। बड़ा मेगा ड्रेस ये हुआ होगा। बहुत, असल में प्रॉब्लम ये था कि उस ड्रेस की चीजें यहाँ नहीं मिल रही थी। अच्छा अच्छा। पाकिस्तान में, क्योंकि आपको पता पुराना पूरी थीम पे बनाना होता है, जब आप कोई ड्रेस डिजाइन करते हैं तो उसकी थीम भी होती है, और बादशाहों के जमाने का था, उसकी कैप है फलाना सब, डिजाइन करने में बहुत टाइम लगा था। बट ये की बहुत जबरदस्त शूट हुआ था, फिर वो जीवल टाइम प्रिंट भी हुआ था, बहुत अप्रिसिएशन भी मिली थी। उसके अलावा अभी मेरा है इटली में, मैं इंशाल्लाह करूंगा, मतलब ये जरा कोरोना का हो गया वहाँ पे, दोबारा एसओपीज और इन चीज़ों का मसला हो गया, तो कुर्ता कलेक्शन मेरा इरादा है वहाँ पे करने का। सही सही सही। तो अब ये जरा रिलैक्स हो, उसके बाद कोरोना के बाद थोड़ा सा मसला बढ़ गया है, हर हर मामले में मसला बढ़ गया, लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह लोग करते हैं, ऑनलाइन ज्यादा अच्छा हो गया, ये तो अच्छा ही हो गया कोरोना से, ऑनलाइन ज्यादा शॉपिंग अच्छी हो गई, वेबसाइट से आप अपने सोशल मीडिया से बहुत अच्छा, ऑनलाइन में ये होता है जो भेज दो भाई उसके गले में भेजने का, आगे भी काम करना था, अगर किसी को गलत प्रोडक्ट भेजेंगे। अक्सर ये होता है कि जो चीज मंगवाई जाती है वो आती नहीं है, शिकायत होती है यार मैंने क्या चीज मंगवाई थी। वो बात फैक्ट है, मैंने सुना है बहुत सारी चीजें, बट अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पिक्चर्स में कलर्स ज्यादा मतलब जबरदस्त लगते हैं किसी भी मतलब ड्रेस के, प्रॉब्लम इशू होता है जब सामने आती है वो ड्रेस तो थोड़े फीके फीके कलर। अच्छा, कुछ ऐसा भी होता है पार्सल के जो हम ऑर्डर कुछ और करते हैं और पार्सल के अंदर से कुछ और निकल रहा होता है। ये असल में जो सो वर्ल्ड वेबसाइट्स हैं कुछ, उसमें बहुत सारी चीजें होती है, मैंने जहाँ तक एक बार हमने भी बाय किया था तो उसमें कतरा निकली थी, ड्रेस तो गायब था। अभी मेरे पापा ने रिसेंटली कुछ ऑर्डर किया था, उन्होंने चार पांच बच्चों के ड्रेस मंगवाए थे और उसके अंदर से जैसे वो जुमरात बाजार से नहीं, दो ट्राउजर और एक शर्ट लेके बड़े आदमी की किसी की लार्ज, वो जब उन्होंने पैकेट खोला तो वो निकला, इतने में जब बंदे को देखा तो वो तो पता नहीं कहाँ जा चुका था, फिर उसका नंबर भी बंद, तो इतना ये फेक काम चल रहा है इस चीजों में। वो बंदा जो डिलीवरी करता है उसका तो उससे ताल्लुक ही नहीं है, वो देके चला जाता है, वो देके चला जाता है, उसको का कोई फर्क नहीं है कि भाई मैं मालूम तो करूंगा कि पेमेंट कहाँ करने जा रहे हो, पेमेंट तो किसको दे दोगे ना, पैसे तो आपने लिए ना। लोगों को भी थोड़ा सा देखना चाहिए कि आप कहीं से ऑनलाइन देखें, हर किसी ने आजकल बिजनेस स्टार्ट कर दिया जब से कोरोना का, आप पता ही नहीं है कि वो ब्रांड है कोई बंदा है क्या है, बस सबने कपड़े खरीदे और चीजें खरीदी बाजार, अब जिसको एक फैशन का पता ही नहीं होगा वो तो कहीं से भी उठा के, बहुत सारे लोग बहुत सारी लड़कियां घर में भी कर रही हैं आजकल, बट आउटलेट बनाए हुए हैं भाई, पेज बनाया हुआ है पूरा। अब वो उनको थोड़ी पता कि वो क्या ब्रांड क्या चीजें बेच रहे, कहीं से मार्केट से खरीद के लाए ऑनलाइन बेच रहे, लोगों को ये पता नहीं, तो फिर चीजें ऐसे ही निकलेंगी। अब एक प्रॉपर आप ब्रांड, किसी ब्रांड की आप चीजें खरीदेंगे तो वो चीज भी प्रॉपर निकलेगी। दूसरा, कुछ लोगों का भी सेंस कम है, अब एक मॉडल पे बहुत खूबसूरत ड्रेस है, एक मॉडल आपको फिगर पता है पतली दुबली खूबसूरत है, अब वो वही उसकी एज में और कोई आंटी की एज में बहुत डिफरेंस है, वो ड्रेस मंगाती है बोलती है वो चीज है ही नहीं, वो पहन के हम अच्छा ही नहीं लग रहे। दूसरा, अभी मेरा लास्ट टाइम एक मेरा मुझे यूके से ऑर्डर आया था, तो उन्होंने साइज नहीं बताया, मैंने उनको बताया आप साइज बताएं, तो उन्होंने अपने शर्ट का तो बता दिया लार्ज है, बट ट्राउजर का मैं पूछ रहा हूँ बताएं क्या आएगा, मैंने नॉर्मल भेज दिया, बाद में कह रही मुझे आ नहीं रहा, तो मतलब आप साइज बताएंगे तो आएगा ना, क्योंकि वेबसाइट्स में भी साइज लिख के होते हैं, जब तक आप प्रॉपर ऑनलाइन साइज पे क्लिक नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं लगेगा कि आपको क्या चीज चाहिए। सही सही, सही। आप लार्ज हो गए स्मॉल कर रहे हो ऑर्डर तो चीज भी फिर ऐसी ही आएगी। ये बात तो है। अच्छा, साथ में ये सही कम बोलते हैं घर में भी नॉर्मल है, बस इतने ही काम काम की बात करते हैं ज्यादातर। अच्छा, कोई काम की बात बता दें यार, मतलब कम को ही हूँ मैं, कम से कम ही बोलता हूँ। अच्छा, बड़ी शर्मीले लग रहे हैं जैसे आप, मॉडल को शर्मीला नहीं होना चाहिए, है भी नहीं है ऐसी बात नहीं है, जाहिर सी बात है इतने सारे लोगों के बीच में खड़े होकर मॉडलिंग करना कोई आसान बात नहीं है। मेरा फर्स्ट टाइम है मॉर्निंग शो में, तो ऐसे फर्स्ट टाइम है, ऐसे वॉकिंग है जो भी शूटिंग करते हैं तो उसमें करते हैं। वैसे मॉडल वैसे भी बोलते कमी है उनका, तो काम होता है बस वॉक करना, उनका मेन काम फोकस होता है आपके शूट्स होते हैं और रैंप होती है उसमें, फोटो शूट में भी नहीं बोल रहे, वॉक में भी नहीं बोल रहे, काम ही नहीं यार, काम का बोल रहे, आदत भी नहीं होती ज्यादा बात करने की, आपकी लुक और आपकी फेस लुक आपकी ड्रेसिंग आपकी फिगर बस यही चीज होती है मेन। सही सही, बोलने का काम हमारा ज्यादा होता है। सही सही सही। और क्या हॉबीज है आपकी? बस यही जिमिंग होती है इनके साथ, फिर अच्छा। बाकी कभी कोई सॉफ्टवेयर में कोई काम मिल जाता तो ऑनलाइन भी काम कर लेते हैं। अच्छा, अच्छा। उसके साथ फिर पार्ट टाइम मैंने ये भी करा हुआ है मॉडलिंग का। सही, तो सही, सही। सिंगिंग सही। का शौक है, सिंगिंग का एक्टिंग का शौक है, कहीं चांस मिला है मगर वो भी आहिस्ता आहिस्ता पहले बोलना नहीं पड़ता लेकिन एक्टिंग में बोलना पड़ेगा भाई, ये थोड़ा सा जहन में हो फिर बोलना पड़ेगा।
मेरी शुरू से आदत यही कम बोलता हूँ तो ज्यादातर। अच्छा यार, बड़ी अच्छी बंदी हो वैसे, खाना खाने के टाइम पे भी नहीं बोल रहे। वैसे खाना खाने के टाइम बोलना वाकई भी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, उसके लिए बेस्ट है। हाँ, उसके लिए भी नहीं बोलना चाहिए। खाना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, डॉक्टर को ये बता दें आप, खाना खाने के टाइम पे लोग नहीं बोलना खाना नहीं बोलना चाहिए। वैसे तो सुन्नत भी है ये कि नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बोलने से ये भी होता है कि भाई जो साथ में होता है ना बोलने वाला, वो ज्यादा खा जाता है। आप अपनी क्वांटिटी में उस हिसाब से जल्दी खा लो। वैसे मेरे ऐसे लोग आपकी देखे, बातों में लगा के जल्दी खत्म ना हो जाते, बड़े बड़े रिवाले लेते हैं खुद से खुद ही। अच्छा, खाना खाने के हवाले से थोड़ा सा बता दें कि किस तरह से डाइट होनी चाहिए अमूमन अच्छी सेहत के लिए। लेकिन अच्छी सेहत के लिए डाइट तो मैं समझता हूँ कि आजकल जो खाना मिल रहा है हमें मार्केट में, जो खाना जो जो पिज़्ज़े वीज़े खाते हैं, इस किस्म की चीज़ें, मैं तो इसके बड़े ख़िलाफ़ हूँ। पता नहीं क्या क्या डालकर बनाकर आपको दे रहे हैं, कौन सा घी होता है, कौन सा मटेरियल होता है। खाना तो घर में खाना चाहिए। अमूमन मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स हैं, हमारे डॉक्टर्स भी हैं, भूख लगी तो बंद कबाब मंगवा लो बाहर से। अब बंद कबाब के अंदर क्या है पता नहीं, खोलते तो नहीं हो उसको बंद कबाब को, कि कबाब के अंदर को मक्खी तो नहीं है या कोई उसका एक डाल बंद को बंद तो नहीं है। वो बस उसमें एक सॉस में डिबोया और खाना शुरू। भाई अच्छी बात बता दी, आज के बाद बंद कबाब को भी खोल के खाना चाहिए। दूसरी बात ये है कि हम लोग खाना बहुत तेजी से खाते हैं, खाने को चबा चबा कर खाना इसका हक है। या तो कोई शॉप बना लेते हैं, वहाँ पर नाम रख देते हैं खोल कबाब, बंद कबाब के बाद खोल कबाब, खोल कबाब, आराम से खाओगे दूसरा जल्दी खा जाएगा। चले एक अच्छा सॉन्ग सुनवाते हैं आपको। सॉन्ग सुनने से तो सेहत बिल्कुल नहीं पड़ता ना? नहीं नहीं, अगर पड़ता है तो नहीं सुने भाई। नहीं नहीं नहीं, हाँ चलो ठीक है। उस्ताद मरो नाथ हमारे साथ हैं जी, वाह वाह का जोसा माशाल्लाह। अगियों हफ्तो जो आसो कल्चरल हवाले सा मलाए वा 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 मा कल्चर एडवांस में एकड़ो सिंध जो तमाम आजिया ना कयो कल्चर वीक। बिल्कुल बिल्कुल, वा वा धरती असां मुखे प्यार वा, ही सिंध जी जका धरती आ, हिन धरती असां मुखे प्यार वा, हिन धरती में मुझी ममता, हिन धरती असां मुखे प्यार वा, हिन धरती में मुझी ममता, हिन धरती असां मुखे प्यार वा। ही सिंध जी जका धरती आन धरती असां मुखे प्यार वा, हिन सिंध जी जका धरती आन धरती असां मुखे प्यार वा, हिन धरती में मुझी ममता, हिन धरती असां मुखे प्यार वा। ही सिंध जी जका धरती आन धरती असां मुखे प्यार वा। प्यार वा, ही सिंध जी जका धरती आ,
सदा बचे सदा रहे इन धरतीअ में मुंहिंजो साह आहे ज़िंदगी जेका धरती आहे हिन धरतीअ में मुंहिंजो साह आहे हिन धरतीअ में मुंहिंजी ममता हिन धरतीअ सां मूंखे प्यार आहे बिल्कुल बिल्कुल ऐं साध भाई आपका बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए थैंक यू सो मच और आपदा भी आने वाली है फेशियल बल्कि फैशन मॉडल है वो भी तो उनसे भी बात होगी स्टाइलो ढो जबरदस्त सेंडल मार्केट में मौजूद है तुम परचेस कर ऐं उनखां पोइ असांखे ॿुधायो त इहो सेंडल पाइण खां पोइ तव्हां में ख़ुदि एतमादी केतिरी वधी आहे ऐं तव्हां पाण खे छा फील कयो पिया ॾाढो ज़बरदस्त सेंडल आहे ऐं मुख़्तलिफ़ डिज़ाइनुनि में मौजूदु आहे ऐं हिते वठूं था नंढड़ी साही वञो केॾा महिना ॾिसंदा रहिजो पंहिंजो प्रोग्राम सलाम सिंध जी सलाम सिंध में एक भेर वरी तव्हांखे भलीकार चऊं था फैशन ते पाण कचहरी कयूं पिया ऐं मुख़्तलिफ़ मर्ज़नि ते बि होम्योपैथिक जो डॉक्टर असां गॾु आहे फैशन जे हिसाब सां इंसान खे ख़ूबसूरत हुजण इलाही ज़रूरी हूंदो आहे इहा ॻाल्हि मां चाहे ज़रे खे ढारी हिन ॻाल्हि ते फैशन जी जेकी ख़ासि क्वालिटी हूंदी आहे त जंहिंसां खे पाण खे ख़ूबसूरत बणाइणो आहे मतिलबु फैशन में तव्हांजी जेकी ब्यूटी सॼी तव्हांजे चहिरे सां ई नज़र ईंदी आहे ख़ूबसूरत बणाइण जे लाइ जेके बि असांजा मॉडल आहिनि या जेके बि छोकिरियूं आहिनि हिन वक़्तु फैशन शो में कमु करे रहियूं आहिनि गिलो एंड लवली खे बिल्कुलु इस्तेमाल करे ॾिसो तव्हांजे चहिरे जी जेके तव्हांजा जेके छायूं आहिनि तव्हांजे चहिरे ते जेके निशान आहिनि पिंपल्स आहिनि झिरियूं छा चइबो झुरियूं आहिनि इहे तव्हांजो रिमूव थी वेंदियूं ऐं इनशाला तव्हांजे चहिरे ते जेको गिलो आहे उहो वापसि गिलो अची वेंदो गिलो लवली इस्तेमालु करण सां ई तव्हांजे चहिरे ते गिलो ईंदो अदरवाइज़ न ईंदो ऐं हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि तव्हांखे मां ॿुधाईंदी आहियां 45 years ओल्ड जेको फेयर लवली जो नालो हले पियो उहो हाणे गिलो ऐं लवली में नालो चेंज थी वियो ऐं फेयर एंड लवली जो नालो तब्दील थी वियो आहे गिलो एंड लवली जे नाले सां मार्केट में मौजूदु आहे तव्हां फेयर एंड लवली जी ॻोल्हा में आहियो त तव्हां इहो विसारे छॾियो हाणे तव्हां गिलो एंड लवली खे ॻोल्हियो हाणे नई तलाश जारी कयो ऐं उहा आहे गिलो एंड लवली फेयर एंड लवली ई आहे पर उन जो नालो तब्दील कयो वियो आहे जाॾे काॾे तब्दीली आहे सॼे मुल्क में तब्दीली आहे माण्हू तब्दील थी विया आहिनि ऐं उहे मुहबतूं तब्दील थी वियूं आहिनि सिक तब्दील थी वई आहे पर दिलि तब्दील न कजो ऐं क्रीम तब्दील न कजो क्रीम हुजे तव्हांजी गिलो एंड लवली उहो बि हिकिड़ी आहे इहा साइड इफेक्ट आहे जेकॾहिं वॾे में वॾो डॉक्टर बि स्किन स्पेशलिस्ट बि हुजे उहो हिन ॻाल्हि खे कंदो त तव्हां जेकॾहिं शुरू खां हिकिड़ी कंटिन्यू क्रीम यूज़ कंदा था अचो तव्हां उनखे ई कंटिन्यू रखो जेकॾहिं तव्हां ॿिए फ्लेवर खे यूज़ कंदव तव्हांजे चहिरे ते अफेक्ट थी सघे थो 95% ऐं असांजा जेके न्यू महिमान आहिनि बल्कि आऊं त इहो अञा गिलो एंड लवली वारनि जो स्लोगन बि ॾाढो ज़बरदस्त आहे त बाबा ॻाल्हि इहा आहे त हर रंग ख़ूबसूरत आहे पोइ सांवरो हुजे भूरड़ो हुजे कारड़ो हुजे जेको बि रंग आहे ख़ुदा जी कुदरत आहे न उहा कारीगरी ॾाढी ज़बरदस्त आहे पर उन में निखार पैदा करण जे लाइ उन में अञा वधीक ख़ूबसूरती आणण जे लाइ उन चहिरे खे शादाब बणाइण जे लाइ उन चहिरे खे महताब बणाइण जे लाइ उन चहिरे खे गुलाब बणाइण जे लाइ तव्हां गिलो एंड लवली लॻायो गिलो एंड लवली लॻाईंदव 45 साल पुराणो ब्रांड आहे ऐं तव्हां फेयर एंड लवली खे सुञाणींदा आहियो फेयर एंड लवली वठंदा आहियो फेयर एंड लवली लॻाईंदा रहियो गिलो एंड लवली हाणे तव्हांखे क़ाबिल आहियो तव्हांखे गिलो एंड लवली इहो इतमाद थी ॾियाराए त उहो वाक़ई में तव्हां जॾहिं गिलो एंड लवली खे यूज़ कंदो त तव्हां वाक़ई में कुझु सम्झंदो पाण खे त बिल्कुलु जीअं हाणे सदर पाण खे सम्झे थी माना हफ़्तो थियो त गिलो एंड लवली लॻाए थी हफ़्ते में ई पाण खे सम्झे थी त अञा साल खनि खां पोइ हीउ सॼो गिलो एंड लवली जो कमाल अथव बाक़ी असां बि अञा रस्ते में आहियूं अञा माना ईअं रंग निखरंदो ॿ टे ॾींहं थिया आहिनि ॿ टे ॾींहं थिया आहिनि लॻाईंदे गिलो एंड लवली क्रीम जो रिज़ल्ट ॾाढो ज़बरदस्त आहे कलेक्शन लॻी पई आहे तव्हांखे बि ख़ूबसूरत बणणो आहे बिल्कुलु गिलो एंड लवली तव्हां 4 रिज़ल्ट माना ईअं फोर रिज़ल्ट तकड़ में तव्हांखे मेकअप जी ज़रूरत न आहे तव्हां तकड़ में कंहिं पार्टी में वञणु चाहियो था अॼुकल्ह जल्दी जल्दी जो ज़मानो आहे गिलो एंड लवली लॻायो पंहिंजे चहिरे खे चमकायो पंहिंजे टाइम जी क़दर कयो जी
आपदा फैशन मॉडल आपदा अस्सलाम वालेकुम, आपको मैं वेलकम करती हूँ अपने प्रोग्राम सलाम जिंद में। कैसे आप? ठीक है जी, मैं तबीयत सही है आपकी? जी बिल्कुल, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। अच्छा मैं इनसे ऐसा अजीज साहब को ये बताते चलूंगी कि फैशन में जो लड़कियां काम कर रही होती हैं उनका वेट वैसे ही लूज होता है। जब मैंने इन्हें देखा तो मुझे वाकई में है कि भाई वेट इनका इतना ही होना चाहिए लड़कियों का, लेकिन कमजोर होने के लिए और क्या करना पड़ता है बहन? थोड़ा मुझे भी बता दो, मैं भी थोड़ी कमजोर हो जाऊं। कुछ भी नहीं, अपनी डाइट को अच्छा रखें। अच्छा रखना है कि उसको कम करना है? नहीं कम नहीं करना, अच्छा रखें। अच्छे में मकसद क्या क्या खाना होता है? अगर वजन करना है आपको कम तो खा लें गम। मॉडलिंग जो बेसिकली ना उसमें ये की आप मॉडल की फिगर जो होती है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है, आपकी फिटनेस अच्छी हो मेल की फीमेल की, फीमेल की भी फिटनेस होती है। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी डाइट पे, एक्सरसाइज भी चलती है 50% और आपकी 70-60% डाइट होनी चाहिए। अब आपकी डाइट अच्छी हेल्दी डाइट नहीं है तो आपकी बॉडी मेंटेन नहीं रहेगी, और मॉडलिंग में तो आपका जब तक बॉडी अच्छी नहीं होगी आपके आउटफिट अच्छे नहीं लगेंगे। अच्छा इरशाद, मेरा तो मुझे लगता है मेरा सिस्टम भी मतलब पांचों चेंज है मेरा। जब मुझे कहते हैं कि जब टेंशन होती है तो इंसान को नींद नहीं आती, जब मुझे टेंशन होती है मुझे इतनी नींद आती है और कहते हैं अगर किसी से झगड़ा हो जाए तो भूख नहीं लगती। मैं कहूंगी कि सारा होटल ला के मेरे आगे रख दो, मुझे इतनी भूख लगती है, मिनट मिनट में भूख लगती है। मैं खुद अपने आप को समझ नहीं पाती हूँ झगड़े में। अगर झगड़े मेरी सिस्टर का भी है, मेरी सिस्टर का भी इशू है, नहीं टेंशन ज्यादा होगी सोती रहती हूँ। सर इस बात में सदा करते हैं, मुझे तो नहीं लग रहा ऐसे बोल दिया डॉक्टर होता है। टेंशन में नींद आती है क्या यार? ये कौन सी बात हो गई? टेंशन की भी लेवल होती है। अच्छा कौन से लेवल बीपी गिर जाता है तो गिरी हुई लेवल तो हुई ना फिर भी ब्लड प्रेशर लो होता है तो नींद तो वैसे भी आती है। अब रही बात के खाना, आमतौर पर लोग ज्यादा भी खा लेते हैं टेंशन में या फिर खाते ही नहीं गुस्से में, मुझे भूख लगती तो भूख लगती है तो भूख अच्छी बात है लेकिन उसको लिमिटाइज करें। उसमें जैसे कि अभी हमारी मॉडल ने कहा कि खाना पीना डाइट कंट्रोल, मैं तो तीन चीजें आपको तजवीज करूंगा। अगर आपको वाकई कुछ बनना है अच्छी मॉडल, अच्छी कंपेयर, सुन लीजिए आपके लिए भी फायदा, या अच्छे कंपेयर आपके लिए भी, तो ये तीन चीजें को मैं लाइक ज्यादा करता हूँ। पल्सेस या दालें, कोई भी दाल हो, वेजिटेबल्स दिखने में अच्छा कंपेयर, हाँ बोलने में तो नहीं ना मैंने बोलने खाने बोलने से बोलना भी है, गले पे भी इफेक्ट पड़ते हैं इन चीजों से। बिल्कुल बिल्कुल, पता है आप मुझे पता है ये डाइट के पीछे लग गया। वेजिटेबल्स वेजिटेबल्स कोई भी सब्जी है जी, कोई भी आप खाएं, फ्रूट्स और जूसेस का इस्तेमाल। आपने देखा होगा कि पड़ोसी मुल्क के जितनी भी फनकार फनकाराएं हैं जो अदाकार हैं ज्यादातर इन चीजों को फॉलो करते हैं, इनको मशवरा दे दिया कि शलजम गोश्त कम खाते हैं। अच्छा मुझे डॉक्टर साहब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, इसका मसला मेरे साथ भी है और भी औरतों के साथ है। प्रेगनेंसी के बाद जो अक्सर तर लोगों को ये प्रेगनेंटेशन के निशानात हो जाते हैं, जब प्रेगनेंसी नहीं भी हो आजकल तो आम लोगों को भी देखिए आप, जेंट्स के चेहरों पे भी, बड़े बड़े मॉडल के चेहरों पे भी, लड़कों के चेहरे पे ये प्रेगनेंटेशन के यहाँ निशान पड़ जाएंगे। इसकी वजह तो मुझे पता नहीं है लेकिन आप ये भी बताते चले, लेकिन इसका खत्म करने का तरीका भी बताएं कि ऐसा क्या करें। कुछ लोग कहते हैं कि आलू पीस के मुंह पे लगा लो, कुछ कहते हैं टमाटर लगा लो, कुछ कहते हैं क्या कर लो, आप मुझे बताएं इसका हल है क्या? असल में स्किन के हवाले से होम्योपैथिक बहुत ज़्यादा आगे है स्किन के हवाले से, बल्कि हर मर्ज में ही अब तो काफ़ी एडवांस हो गई है। स्किन के हवाले से फ्रेकल्स जो होते हैं ना, शाइयाँ जिसे कहते हैं, वो आमतौर पर डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन, स्किन में पिगमेंटेशन, एक मेलानिन हुदूद होते हैं, ग्रेंड्स होते हैं स्किन में जो कि कलर क्रिएट करते हैं। अब वो उसमें कुछ डिस्टर्बेंस या इम्बेलेंस हो जाते हैं जी। तो उसके बाद ये फ्रिकल्स निकल आने शुरू हो जाते हैं। एक तो ये वजह, फीमेल में आमतौर पर उनको फीमेल प्रॉब्लम्स जो होते हैं, पीरियड्स का है, लिकोरिया का मसला या दूसरे प्रॉब्लम जितने भी हैं उसकी वजह से भी होता है। अभी आपने कहा कि जो डिलीवर्ड खातून है प्रेगनेंसी के बाद डिलीवरी हुई तो उसके बाद हो गए, तो ये सब उन वजूहत से भी हो सकती है जी। अब इसका
सही करने का क्या प्रोसीजर है? तो गए, अब सही कैसे करना है? सही के लिए एक तो मैं कहूँगा कि सबसे ज्यादा पानी पीने वाला सबसे ज्यादा खूबसूरत है। क्या बात है, मैं तो यही कहूँगा। पानी जितना आप ज्यादा पियेंगे, आपके जिस्म को जरूरत है। हम कम पानी पीते हैं, पथरी बन जाती है और दूसरे मसाइल हो जाते हैं, इन्फेक्शन यूरिन का हो जाता है। पानी ज्यादा पिए, मिल्क जो है उसका इस्तेमाल ज्यादा, दही है उसका इस्तेमाल ज्यादा, जूसेस जो है ना वो बहुत अहम किरदार इसमें अदा करते हैं। सही। किसी भी फ्रूट का, आजकल अनार का मौसम भी है, फ्रेश जूस घर में बना हुआ, बाहर का नहीं। तो ये आप अगर यूज करेंगे, और इसके अलावा एक दवा हमारे पास आती है जी। बर्बरिस एक्विफोलियम दवा का नाम है, बर्बरिस एक्विफोलियम। इसको थोड़ा सा पानी मिलाकर अगर आप उसको लगाएंगे तो झाइयाँ जल्दी खत्म हो जाती सही। और स्किन भी फ्रेश हो जाती है। इसकी टाइमिंग होती है 1 साल 2 साल 3 साल, कितने टाइम में खत्म हो जाएंगी झाइयाँ? मैं समझता हूँ कि अगर रेगुलर आप यूज करें तो कम से कम 3 महीने काफी लगेंगे। बिल्कुल। और हार नहीं माननी चाहिए, मैं समझती हूँ किसी भी काम में बंदा लग जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, इतनी जल्दी हार गया हो गया। हम जो लोग हैं हम कहते हैं सर में दर्द हो रहा है ना, अभी खाइए टाइम। मैं अपनी अम्मी से मैं पूछ रही हूँ मैं कितनी देर में ठीक होगा, वो कहती है 15 मिनट लगेगा। अच्छा, ऐसे तुम्हारी क्या हालत होगी? तुम्हारे चेहरे का कलर माशाल्लाह फेयर है, क्या राज है इस रंगत का, थोड़ा सा बता दें यार। पानी ज्यादा पी देंगे आप भी? देखिए मैं कोई या पानी में ही रहते हैं? नहीं नहीं, पानी में पीता हूँ ज्यादा अब से, बट ये कि मैं तो वैसे भी मीठे का बहुत शौकीन हूँ। बट ये मैं एक चीज है कि ऑयल फूड बहुत कम खाता हूँ, बाहर का तो बहुत कम खाता हूँ। कोशिश करता हूँ कि घर का वेजिटेबल और इस टाइप की चीजें खाऊं, बट मुझे ऑयली फूड से वैसे ही चिड़ है बहुत। तो ये आपकी हेल्दी डाइट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट, स्किन के लिए स्पेशली ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि पानी के साथ ही आप। उसके अलावा एक चीज है एलोवेरा, अगर आप वो फेस पे लगाएं नॉर्मली और उसको आधे घंटे में वॉश कर लें तो आपकी स्किन बहुत चमकेगी और कलर बहुत फेयर होता है। स्किन पॉलिश हो जाएगी। स्किन पॉलिश हो जाएगी। वैसे हर बंदे को एलोवेरा तो डॉक्टर साहब भी बैठे हैं, कितने ये इम्पोर्टेंट चीज़ें घर में रखना चाहिए, खाना भी चाहिए। दूध जो घुटनों में दर्द होता है, अंदर में मटेरियल जो सैनुअल फ्लूइड कहते हैं वो ड्राई हो जाता है, तो हम एलोवेरा एडवाइस करते हैं कि एक चम्मच दूध में या वैसे ही ले लें। एलोवेरा तो बहुत कड़वा होता है, कड़वा तो होता है, जब भी मैंने खाना दूध में डालकर चीनी डाल दें उसमें, एक गर्म पानी में शहद का मिला और एकदम एलोवेरा का पानी पीना। मैंने टेस्ट किया है, वो तो इतना जहर जैसा कड़वा होता है भाई, बहुत कड़वा होता है। उसके बाद आप कोई मीठा लेंगे ना फिर वो नॉर्मल लगेगा, वरना वो बहुत इजी नहीं होता। लेकिन एलोवेरा उस्ताद मोरम नंढे लागू पनीर पीता पनीर वो हमारे पे जो मैं एक दूसरा भी बताते चलूं, ये पनीर बच्चों को डॉक्टर साहब होम्योपैथी के आपको मजीद पता होगा, जब हमारे बच्चों को ये जो माता निकल आती है, जो दाने निकलते हैं हर साल में, कोई ना कोई कहते छोटे बड़े दाने हो जाते हैं, पनीर जब हम बच्चे को पिलाते हैं तो वो उसके दाने जल्दी खत्म हो जाते हैं। होम्योपैथिक में इसमें बहुत ज्यादा वो। अच्छा मुझे ये बताएं आपदा जी, कब से फैशन मॉडलिंग में हैं आप? कितना अरसा हो गया? अक्टूबर में है। 1 साल हुआ है अभी। अच्छा माशाल्लाह से, कितने शोज हो चुके हैं आपके? एक इनके दो साथ ज्यादा, फर्स्ट भी इनके साथ था। अच्छा, और आखिरी भी इनके साथ ही होगा लगता है? नहीं आखिरी नहीं। आखिरी नहीं होगा भाई, किसी और के साथ होगा भाई। अभी तो स्टार्ट हुआ है, आखिर में मतलब किसी और जगह चली जाऊंगी मैं, किसी नहीं, किसी और फैशन वीक में। अच्छी बात है, हर जगह जाना चाहिए, काम हर किसी के साथ। आखिरी नहीं हुआ इसके साथ। हमारे साथ भी आते रहते हैं जाते रहते हैं, आपको जहाँ गुड अपॉर्चुनिटी मिले आप जाएं काम करें, क्योंकि फैशन इंडस्ट्री बहुत बड़ी है पाकिस्तान में, आपको जहाँ से ऑफर्स आए। ये आपने डाइट की है माशाल्लाह, सेहत ही आपकी इस तरह से मेरी तरह। मुझे लोग कहते हैं मुझे फायदे लोग कहते हैं भाई क्या खाते हो, कौन सी डाइट करते हो यार? मैंने कहा यार मैं कुछ भी नहीं करता, ऐसे ही नॉर्मली जीता हूँ। आपने नहीं बताया थोड़ा सा पानी पीता हूँ। अब आप अपनी डाइट राज भी बता दो। लेकिन कुछ लोग होते हैं अच्छा लगता है, अब आप पे सूट कर रहा है, जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल स्लिम हो हर बंदा। अच्छा फैशन शो के लिए अक्सर लोग पहचान उनका वेट है, काउटो को ले लीजिए आप। भाई मेरा वेट तो आप देख रहे हैं, वेट है। सही, आप उनको तो वेट कम करने की जरूरत ही नहीं। भाई जिनको तो कुछ लोग अच्छे भी लगते हैं,
मैंने ये तजुर्बा किया, जिनको वेट कम करना है वो वेट करें, बस वेट करें और कोशिश भी करें अपने अपने आप को। एक बात और ब्यूटी की आपने जब बात की ना, तो हमारे खवातीन जो है कोशिश करती है चेहरा सिर्फ खूबसूरत हो, हाथ पांव पे ध्यान नहीं देती, हाथ पांव पे ध्यान, ड्रामों में देखा है, ड्रामों में देखा है। डॉक्टर साहब मैं यही चेहरा से बात कंटिन्यू करूंगी, ये हमारी बड़ी लंबी चौड़ी बात हो जाएगी, बड़ा अच्छा लगेगा इसमें बात करके। ब्रेक का टाइम है, गाने का टाइम है, गानो बताऊं एकड़ो जी, सुना दे आप अच्छे से कर दे। ऐसा ही तकरीर ॾिसंदड़ जो प्यार आहे असां सां, असां बोर न थींदा आहिनि। मां बि मज़ाक थो कयां तव्हां असां हिकिड़ो कलाम तव्हांखे ॿुधाईंदा सभिनी जे लाइ आहे। उस्ताद मोहरम नाज़ तयारु कयो आहे, वाह वाह कयो साईं। सरवरी बि सिंध जे हवाले सां, वाह 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 साईं वाह। सोणा माण्हू ॿिया बि हज़ार, वाह वाह सिंधी माण्हू पधरा रखनि, वाह वाह।
सिंधी मानू प्यार असन जो 15 लखन में उस्ताद ई माने या गाल लडी भली दव जो अचानक कलाम शुरू हो अचानक खत्म कर मान रुई होय पे एक दफे ने शुरू कर लिया असन एंजॉय के ऊपर असन वाला ने ये शुरू की ना खत्म थी जा दादा मुके ब्रेक भी जेन में हो दा ती ना मेरा ना बिल्कुल इजी थी गले ना ब्रेक क्यों है ब्रेक 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 दे वन ना खत्म से पता के भागुर पाया तो नरडी साई उठम दा मजो के नाम रे ससा कर रहे जो ए निसना रे पन प्रोग्राम सलाम से मन जोड़े पगा मुझे सिंह के सलाम सलाम सुन शहानी है मन जोड़े पगा मुझे सिंह के सलाम सलाम सुन जी भलीकार चाहूँ था तक प्रोग्राम सलाम सिंध में अस कचहरी भी क्या तीन समात उन सातुन के लिए खूबसूरत गाल क्यों कम जो गाल फैशन से भी ऐं सेहत से भी ऐं पर थोड़ी इंटरटेनमेंट भी जरूरी है। डॉक्टर साहब बहुत अच्छा गाते हैं माशा आप सुनाए कि जब भी कोई मरीज आता है क्लिनिक पे पहले गाना सुनाते हैं उसके बाद ट्रीटमेंट होती है उसकी, ये भी अच्छा तरीका है। बात है कि मरीज फ्रेश हो जाए पहले आपका सॉन्ग सुन के ही 90% 50% बीमारी है तो इंसान कहते हैं कि सॉन्ग वगैरह सुनने से गाना गाने फिल्म कौन सा गाना गाते हैं ये आपका इंतजार टेंशन भी दूर होता है ना। एक आपने शुरू में मुझे एक सिलेक्शन सुनाई थी अपने गाने की, वही आप मुझे गा के सुनाएंगे, वो बड़ा अच्छा गाना था। अच्छा इसी मोड पर थोड़ा सा सुना दें, क्या बात है सुना देते जी। बिल्कुल वाह आप गा रहे हैं, आपको माइक लगा हुआ है। अच्छा हाँ आप सिर्फ गा के सुनाते मुझे। हाँ इसी मोड पर इस जगह बैठ कर, हाँ इसी मोड पर इस जगह बैठ कर तुमने वादा किया था साथ दोगे जिंदगी भर, छोड़ कर तुम न जाओगे। हाँ इसी मोड़ पर इस जगह बैठ कर उस्ताद पे लग गई। मरीज अगर सेहतयाब हो जाए तो फिर तो छोड़ के जाएगा ना उसकी मर्जी है फिर जाना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। आंसर और भी है जी। याद है आज भी मुझको उस हसी शाम का मंजर, जिस जगह में निहारा था मैंने तुझको पुकारा था प्यार से अजनबी कहकर। हाँ इसी मोड़ पर इस जगह बैठ कर तुमने वादा किया था साथ दोगे जिंदगी भर, छोड़ कर तुम ना जाओगे। हाँ इसी मोड़ पर ये ट्रैक सर डॉक्टर साहब, ये विनय शाह को बहुत सूट कर गया आज। इसके तीन दिन का तो साथ मरीज और डॉक्टर का हमारे मरीज गाना नहीं सुनते, वहाँ मैं गाता भी नहीं हूँ मेरे पास मजाक कर रहे हैं आसन में। टेंशन के लिए जरूरी है कि थोड़ा बहुत गाना म्यूजिक सुना जाए। और दूसरी बात ये कि हमारे जो प्रोग्राम्स होते हैं ना, आर्ट्स काउंसिल का मेंबर हूँ मैं, तो वहाँ भी जो प्रोग्राम्स होते हैं उसमें अक्सर मैं गाता हूँ। वहाँ पाकता फरमाइशें चलती हैं कि ये गा दे, रूना लैला को मैं गाता हूँ, नूरजहां, मेहंदी हसन, मुकेश, लता मंगेशकर। डॉक्टर साहब एक ही लोगों के अंदर, ये मेरे अंदर खुद के अंदर भी है कि जब मेरी गाड़ी में तेज गाने चल रहे तो मेरी गाड़ी भी तेज चल रही होती है, मेरी गाड़ी स्लो हो जाएगी। ये क्या चीज होती है मुझे समझ में नहीं आती, कभी कभी हमारा दिमाग कहीं और चल रहा होता है, रिदम होता है ना स्लो का, तो उसमें फिर वो इंटरेस्ट नहीं होता। अगर ये गाना चला है, हाँ ऐसी मोड पर तो हर मोड पर रुक जाता है। चार पांच गाना यही मोड है, शो खत्म होने के बाद पहुंचेंगे स्टूडियो में। अक्सर ही नोट कर रहे थे जब कोई डिस्को वाला गाना चला मेरी गाड़ी तेज चल रही होती है, चलो जा रही हूँ, जहाँ गाना स्लो हुआ वहाँ मेरी गाड़ी का थोड़ा ब्रेक लगता है, चलो भाई स्लो स्लो जा रही हूँ, कहती हूँ गाड़ी वालों को आप लोग जाओ चले। आप सुनिए म्यूजिक लगा हुआ, म्यूजिक सही गाती हैं आप? नहीं गाती नहीं, सिर्फ सुनती हूँ। क्या सुनती हैं, कौन सा म्यूजिक सुनती हैं, कौन सा सिंगर सुनती हैं, बता दें थोड़ा सा। जो आज तो जो चल रहे हैं जवाद अहमद, तो छोड़ गए उनके बहुत अच्छे सॉन्ग। आजकल तो नहीं चल रहे, आजकल वो तो पुराने रैप भी छोड़ गए अब तो बस आजकल तो रैप ही चल रहा है। सही रैप भी चल रहा है। अच्छा आदम मुझे ये बताओ कि आपको कितने सही, कब से आप तो एक साल से काम कर रही है लेकिन शौक कब से था
फैमिली की तरफ से कोई रुकावटें हुई नहीं कुछ हुई? भी नहीं कुछ भी नहीं कहा किसी ने भी कुछ नहीं कहा? मैं तो स्कूल में भी जब हम प्रोग्राम्स करते थे तो जब जैसे कि 14 अगस्त हो गया नेशनल डे के हवाले से तो उसमें भी ऐसे ही कल्चर डे मनाते थे जैसे रैंप करवाते थे बच्चों से ऐसे ही शौक आ गया कि नहीं भी हम भी ऐसे ही सामने फ्रंट पे जाएं सही इस वजह से रैंप पे तो जवाब के गाने ज्यादा चलते होंगे गोरी करत सिंगार नहीं उनके चलते हैं अच्छा आप भी गाते हैं सिंधी में मेरे ख्याल से थोड़ी सिंधी बोलता हूँ दूर दूर की खबरें मुझे भी पड़ती है आती है थोड़ी बहुत बट सॉन्ग नहीं कौन सा सॉन्ग सुनाएंगे उर्दू ही सुना रहे हैं मैंने सॉन्ग जी हवाले से ही खड़ी हुई थोड़ी घर तक समझ में भी इंडिया पर ये इलाही सुठी खबर हुई जबान शुरू से वी सिंधी मुझे दोस्त सिंधी फैमिली में मुझे भाभी भी सिंधी मुझे भाईटा वाइटा सब सिंधी सुठी सिंधी घर में दोस्त घड़ी को सिंधी सीखने शौक हूं पहला लफ्ज यू सीखना खुश है खुश है खुश है बस खुश है खुश है कुछ इतने कराची जो दोस्त सिंधी उनसा गण में होंगे तो सिंधी में गाल मुझे चवे तेजी ना बस वो पानी पाँजा गाल बस जस्ट उधर गया था वहाँ भी जीतो पाकिस्तान वगैरह बुला रहे थे मैंने भी ये वाले काम नहीं करूंगा सही तो गाना गा लेते हैं तो थोड़ा सा सुना आवाज बहुत भारी है बट क्या सुना भारी भाई हम भारी आवाज सुनने को तैयार है बड़े सिंगर ऐसी कहते हैं भाई आवाज भारी है अच्छा जी जी अच्छा थोड़ा बहुत सिंधी में शायद सुना दूं सुना दे बिल्कुल बेशक खड़ी नीम के नीचे तू तो हे खड़ी जातड़ो बताड़ो माना छानी मानी देख ले खड़ी नीम के नीचे तू तो हे खड़ी जातड़ो बताड़ो मानो छानी मानी देख ले झिलमिल झिलमिल में बुलावर से मोर पपीहा गाए रात तुहारे आए सजनवा रात भर तड़पाए झिलमिल झिलमिल में बुलावर से मोर पपीहा गाए रात तुहारी आए सजनवा रात भर तड़पाए ओ छाना मना हे गुजरिया हे खड़ी जातड़ो बताड़ो माना खड़ी मनी वाह जी वाह जी वाह उस्ताद मुरम को बड़ी आवाज अच्छी लगी आपको वैसे ये सिंधी गाना नहीं है थरकी थरकी वाली सिराई की आई थिंक मिक्स है ये मारवाड़ी स्टाइल का गाना है ये उनका गाने भी थरी थरी सिराई की आई हां ये मेरी फेवरेट सिंगर है मुझे बचपन से बहुत पसंद है जा जा अच्छा जी मैं इस पे आपदा से एक सवाल करना चाहूंगी आपदा फ्यूचर प्लानिंग के बारे में क्या सोचा है शादी करनी है बच्चे पैदा करने मियां भी होना चाहिए घर भी होना चाहिए अभी तो सिर्फ अपने शौक ये फोटो के मामले में बड़ी सीरियस होती है ये हर मतलब लड़की से पूछती है शादी करनी है आपको मुझे लग रहा है कि ये कोई मतलब मैरिज बेरो खोलने जा रही है पता होना चाहिए ना कि लड़की का माइंड कहाँ तक है भाई शादी का है मूड नहीं है अगर कोई अच्छा बंदा कोई देख रहा है कोई रिश्ता विश्ता हो तो भाई ऑफर आ सकती है कहीं से भी है नहीं है इसमें वो कहते हैं ना जहाँ बेरी होती है डॉक्टर साहब वहाँ पत्थर तो आते ही है नहीं है तो भाई पूछ रही थी कोई रिश्ता लगा हुआ है अभी शौक पूरे करने कब तक कितने साल तक क्या करना चाहती हूँ अपनी जिंदगी में कि मैं यहाँ तक हो जाऊंगी तो फिर मैं अपने बारे में सोचूंगी थोड़ा सा अपग्रेड हो जाए अभी तो स्टार्ट है अपग्रेड हो जाए फिर हम जो वहाँ से शुरू से स्टार्ट लेते हैं
तो आप कहें कि अभी मैं अपनी फ्यूचर प्लानिंग के चक्कर में भी लगी हूँ, सोचा नहीं कि बंगला बना लूँ, घर बना लूँ, दो चार गाड़ियाँ हो, मम्मी अब्बू खुश हो, फिर शादी के बारे में सोचो, ऐसा ही है। अच्छा, ऐसा फैशन शो मुनक्किद करने के लिए कितनी तैयारी करनी पड़ती है, कितनी भाग दौड़ करनी पड़ती है, कितना टाइम, कितना समय लगता है भाई ये बता? ये बहुत टाइम लगता है, आपको एक मंथ और टू मंथ तो लगते हैं, क्योंकि आपकी पूरी सिलेक्शन होती है। फर्स्ट तो हमारी ये होती है कि आपको एक तो सिलेक्शन, दूसरी कलेक्शन, कलेक्शन दोनों, दोनों। पहले तो आपको डिजाइनर्स देखने पड़ते हैं कौन कौन से अपनी शोकेसिंग करेंगे अपनी डिजाइनिंग। दूसरा मॉडल सिलेक्शन होती है, क्योंकि हम न्यू को भी टैलेंट को प्रमोट करते हैं, पुरानों को भी प्रमोट करते हैं। उसके अलावा फिर वेन्यू देखना पड़ता है, फिर मीडिया कवरेज देखना पड़ती है, उसके अलावा फिर रिहर्सल। मीडिया कवरेज तो मीडिया तो खुद ही आ जाती है, नहीं डेट्स वगैरह आपको बतानी पड़ती है। अच्छा नहीं लगता, नहीं बिन बुलाए भी, अभी लास्ट टाइम हमने बिल्कुल ओपन रखा था, कोई भी आए, ताकि हम चाह रहे थे न्यू टैलेंट और जितना भी हो उनको प्रमोशन मिले, ज्यादातर जो शो बेस था वो इसी पे था कि न्यू टैलेंट को हम प्रमोट करें। उसके अलावा मेन चीज होती है रिहर्सल, वो बहुत तंग करती है, दो दो महीने लग जाते हैं उसमें, क्योंकि कैटवॉक सिखानी होती है मॉडल्स को, न्यू होते हैं उनको तो पता ही नो हाउ नहीं होती कि मतलब रैंप क्या है। अब एक स्टिल शूट से और रैम वॉक में बहुत डिफरेंस होता है। स्टिल तो आप खड़े हो गए, आपने पिक्चर्स खींचती, बट रैम में आपका चलना फिरना, म्यूजिक से राउंड करना, कॉन्फिडेंस लेवल, सामने देखना, कैमरे को फेस करना, ऑडियंस को फेस करना, क्योंकि मोस्टली लोग होते हैं कि ऑडियंस देख के घबरा जाते हैं कि इतनी बड़ी पब्लिक है हम कैसे सामने जाएंगे। फिर उसमें आपको क्लोथिंग होती है, मेन चीज होती है आपके कपड़े जो होते हैं उनको आपको प्रमोट करना होता है, आपके वेयरिंग स्टाइल अच्छा नहीं होगा तो आप रैंप पे किस तरह चलेंगे, तो बहुत सारी चीजें, तो कॉन्फिडेंस लेवल को दिखाना पड़ता है। मैं शुरू से एक बात कहती हूँ, जो पूरा वार्डरोब है ना वो उसकी पर्सनालिटी पे बड़ा असर करता है, डिपेंड करता है। बट ये है कि जरूरी नहीं है कि दूसरों को देख के वही आप चीजें पहने। हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में बोलते हैं कि वो मॉडल पे अच्छा लग रहा है तो हम पहने, आपका फिगर मॉडल का फिगर डिफरेंट है। हाँ। आप उस जैसा बनवा सकते हैं, आप डिजाइनर से मशवरा करें, लेकिन फिर भी मैं भी सूट करे आपके ऊपर ना, हाँ, करे मैं, ना मैंने करे। जो ये ड्रेस पहना है, अगर मुझे कोई और देख के कहेगा कि यार इस पे अच्छा लग रहा है, मैं भी पहन लेती हूं, मैं भी उस पे अच्छा ना लगे कलर, उसकी होप ये होती है कि यार मैं इतनी अच्छी नहीं लग रही जितनी वो अच्छी लग रही थी। सुन रहे ना आप बातें, बिल्कुल क्या फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा तो कोई की बातें हो रही हैं? नहीं, मतलब माजी की बात करें तो उस जमाने में भी मतलब बड़ा फैशन हुआ करता था, बड़े बड़े बाल हुआ करते थे और माशाल्लाह वो घेर वाली शलवारें हुआ करती थी, बिल्कुल बलोची ड्रेस जो होते हैं वगैरह। तो आपका इंटरेस्ट है फैशन में या अंग्रेजी स्टाइल की जो ड्रेसेस होती हैं वही पहन लेते हैं आप? बस एक आदत है शुरू से कि नॉर्मली जैसे आजकल चल रहा है उसी को फॉलो करते हैं, तो कमी शलवार है या फिर सूट है या हालात के लिहाज से, अब जैसे प्रोग्राम में आना है तो इस किस्म की शूटिंग हो, सही सही, अगर कहीं महफिल में जाना हो तो इस तरह के अलग अलग चलता ही है, सही है। मतलब हालात अगर अच्छे हैं तो लिबास भी अच्छा, हालात खराब हैं तो फिर हालात की बात नहीं, हालत मतलब कि कंडीशंस जो है कि जहाँ पर आप जा रहे हैं। मैंने कहा शायद हालात कभी कभी मैयत में आप जा रहे हो तो आप सूट पहन के जा रहे हैं। अच्छा, तो ये बात मैंने समझा शायद कोई स्ट्राइक वगैरह है तो उस हिसाब से। आजकल लोगों को पता नहीं क्या होता है, मैयत में भी इतना मेकअप होता है, आईब्रो पेंसिल लिपस्टिक। अच्छा डॉक्टर साहब, सेवेंटीज एटीज का जो दौर था ये बड़ा मॉडर्न दौर था। गुफ्तगू का आगाज किया, थोड़ा सा उसको सुन ले यार। जी जी, क्या कह रही हैं? क्योंकि बोलती कम है, जब भी बोलती है क्रास हम कर लेते हैं। हां जी, जैसे एक बोरे के जनाजे पे भी जाते थे, इतना तैयार होके तो वो ज्वेलरी ऐसे दिखा रहे होते हैं, मेकअप और हेयर स्टाइल्स बना के जा रहे होते हैं, तो लग ही नहीं रहा था कि ये कहां पे आए हैं। मिलाद में जाते थे हल्की सी लिपस्टिक लगाई चले गए, अब मिलाद में इतना तैयार होकर जाते हैं। अल्लाह माफ करे अगर किसी को रोना आ भी रहा हो तो वो नहीं रोती कि मेकअप खराब हो जाएगा, मेकअप खराब हो जाएगा, इतने हजार मैंने भरे हैं भाई मेकअप के। बिल्कुल, तो ये सिलसिला भी होता है या मैंने सुना है ऐसे? नहीं, ऐसे देखा है हमने खुद, नहीं रोती, मतलब दिल करता है रोने को, नहीं रोती, मेकअप खराब खाना पीना चल रहा था, अचानक बारिश शुरू हो गई, अब बारिश में मेकअप बराबर हो गया, शोर अपने बीवी को ढूंढ रहा है कौन सी वाली थी, हाँ जब बच्चा कहते मेरी अम्मी का, सही बात है, तो वो तो साफ हो जाता है। और आजकल तो वो एक दूसरा, सुबह सुबह मतलब सुबह सुबह जैसे ही बंदा उठता है तो
जैसे ये खावन उठा बेगम को देखा कि बेगम आई नहीं, भाई मेकअप कर रही है, भाई सुबह सुबह कहाँ जाने का इरादा है, कहाँ जा रही हो? कह रही जा कहीं नहीं भी, लेकिन पासवर्ड लगाया था मोबाइल पे मेकअप के साथ, अब वो पासवर्ड खुल नहीं रहा इसलिए मेकअप कर रही हूँ। यही बात है। और एक 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 और बात होती है कि भाई शादी हो गई मियां बीवी की, अब वो सुबह उठ के बीवी पूछ रहा है भाई मेरी बीवी का है कि तक थी, मैं तो थी, वो कह रहे नहीं वो रात वाली खा गई वाली खा थी। उतना अच्छा उनका मेकअप और आजकल चल रहा होता है, कभी कभार ये भी होता है कि चेंज कर देते हैं मेकअप उतरने के बाद, बच्चे ढूंढते हैं अम्मी कहाँ है। अच्छा दूसरी बात मेकअप के हवाले से, अभी इससे पहले बात चली थी बीच में रह गई, हाथों पैरों वाली, हाथों पे लोग चेहरे पे ध्यान देते हैं, हाथों पैरों पे ध्यान नहीं देते। मैं देखता हूँ अक्सर ड्रामे टीवी के, हर चैनल पर अचानक मौका मिल जाए तो मैंने देखा कि चेहरा तो बड़ा खूबसूरत मेकअप है, गले पे देखे तो काला रंग, हाथ काले पीले, मतलब ये इस तरह का, यानी कि आप शो करते हो तो वो तो हमारे जो नाजरीन है वो तो आंखें बंद करके देख लेते हैं, सही बात। लेकिन जो वाकई इन्वेस्टिगेशन होता है, जो नोट करने वो नोट करता है, इसका भी हल मैं आपको बताऊं कि जो आपने ग्लव एंड लवली की बात की तो वो क्रीम जो जी तो वो जो है वो तो चेहरे पे लगाने के लिए, हाथ पैरों पर तो नहीं है। हमारे यहाँ होम्योपैथिक में एक ऐसी दवा है, मैं आपको बताऊँ, उस दवा से हम कहते हैं चेहरे पर लगाने की नहीं है, आप ये खाओ इसमें गोरापन सिर्फ चेहरे पर नहीं आपकी पूरी बॉडी पर आएगा, तो वो ज़्यादा बेहतर है। क्रीम इतनी सारी लगा दो पूरे जिसम में, कहाँ तक लगाओगे क्रीम? इसके अपनी लिमिटेशन है। लेकिन ये कि वो दवा खाने से आहिस्ता आहिस्ता ही सही, लेकिन आपकी ब्यूटिफिकेशन पूरी बॉडी वाइज। आजकल तो डॉक्टर साहब इंजेक्शन वगैरह भी लगा रहे हैं, वो बड़े खतरनाक है, वो खतरनाक है, तो बड़े उसके रिएक्शन बड़े खतरनाक। दो साल पहले काले कलूटे लोग मैंने देखे, आज बड़े गोरे लग रहे हैं। ये क्या है कि आप वे पे कहीं और चले गए मुझे लगा। ये बड़ा खतरनाक है इंजेक्शन वगैरह, जितने आर्टिफिशियल चीजें हैं ना। चलें इसको ब्रेक ले लेते हैं, बाद में बात करते हैं। बहुत सारे जो है ना मैंने ऐसे बंदे देखे, सच्ची बात है, मेरे साथ भी उनकी फोटो थी। आजकल मैं कहता हूँ यार ये वही बंदा है, कह रहे नहीं यार ये नहीं है वो, ये वो बड़ा खुश है। हाँ तो एक छोटा सा वक्फा ले लेते हैं। जल्द वापस आ जाओ प्रोग्राम सलाम से। जी भली कार चाहूं था तव्हांखे पंहिंजे प्रोग्राम सलाम सिंध में, ऐं तव्हांजी वॾी महिरबानी, तव्हां असां सां जुड़ियल आहियो, ॻंढियल आहियो, मस्ती मज़ाक बि कयूं पिया, तव्हांखे एंटरटेन बि कयूं पिया, तव्हांखे कम जूं ॻाल्हियूं बि ॿुधायूं पिया, ऐं उन्हनि ॻाल्हियुनि ते अमल पैरा थियूं। तव्हांजो कमु आहे असां तव्हां ताईं ॼाण फराहम कंदा आहियूं। डॉक्टर साहब इंजेक्शन्स की बात हो रही थी, टेबलेट्स भी आ रही हैं विटामिन्स की, बंदा वो खा लेता है तो कलर फेयर हो जाता है, तो ये खानी चाहिए या इंजेक्शन लगवाने चाहिए, नहीं लगवाने चाहिए? देखो विटामिन एक्ट्रेस जो है खास तौर पे जो लड़कियां और लड़के वो इस पे ज़्यादा अमल करते हैं, वो मॉडल खास करके मॉडल खास तौर से। देखो विटामिन अपनी मर्जी से कभी यूज़ नहीं करना चाहिए। अच्छा उसके नुकसान भी होते हैं। अच्छा अगर आपके अंदर कैल्शियम की कमी नहीं है और आप एक कैल्शियम के कैप्सूल खा रहे हो, टेबलेट्स खा रहे हो, तो कैल्शियम की इजाफा हो जाएगा, कैल्शियम का बॉडी में इजाफा होगा, उससे स्टोन जल्दी बन जाएगा। अच्छा कैल्शियम ऑक्सीडेट के भी स्टोन होते हैं गुर्दे में और मसाने में भी होते हैं, तो इजाफी एक चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा इजाफी, ज़रूरत भी नहीं और आप उसको खा रहे हैं। और उसको फायदा हो गया यार, मैं अब सेहतमंद सबको फायदा नहीं होता, लेकिन वो इंडिविजुअलिटी वो नुकसान दा हो सकता है, नुकसान भी होता है। इंडिविजुअलिटी हर एक की अलग अलग होती है, आपको अगर कैल्शियम सूट करता है तो आपको नहीं करेगा, आपको जरूरत ही नहीं है और आप ले रहे हैं खामोखा। इसी तरह पोटेशियम का बहुत ज्यादा इस्तेमाल है, तो बंदों को बता दिया था कल एक टेबलेट के हवाले से, वो सब खा रहे हैं, मसला हो जाएगा, मुझे भी बता देना, मसला हो जाएगा भाई डॉक्टर साहब। इसमें रिएक्शंस के खतरात भी रहते हैं, वो इनको पकड़ सकती है, जैसे कि मैं पकड़ लूंगी रोज आते हैं। तो ये नहीं करना चाहिए, ये बता रहा हूँ। सप्लीमेंट जो है वो तो लेने चाहिए, जरूरत एज के लिहाज से होती है सप्लीमेंट की, लेकिन वो भी अननेसेसरी नहीं, विदाउट एनी एडवाइस ऑफ द डॉक्टर यू कांट ईट। अच्छा मैं तो इस बात को फॉलो करता हूँ। मेरा एक दोस्त है, उसने तो बाकायदा पूरा बुक बना लिया है कि भाई नज़ले के लिए ये, जुकाम के लिए, बुखार के लिए, तीन दिन बुखार है तो ये, आँख में दर्द है तो ये, पेट में दर्द है तो ये, वो डॉक्टर से हाँ वो सारा पूछ के उसने पूरी एक डायरी बना के रखी है।
हर कोई दोस्त उसको फोन करता है यार मेरे यार गले में दर्द है क्या मैं क्या करूं। चले भाई ये YouTube के डॉक्टर बने हुए आजकल हर कोई YouTube से देख के और डिफरेंट तो भाई वो तो बड़ा मसला हो गया है। एक बंदा है वो लतीफा एक सुना रहा हूँ आपको, ये टिकटॉक पे एक वीडियो बनाई किसी ने, उसने कहा कि भाई आपके दादा का इंतकाल कैसे हुआ, तो उसने कहा दादा को हार्ट की तकलीफ थी और मैंने यूट्यूब पे देखा कि हर मर्ज का इलाज है, तो मैं ऑपरेशन जैसे ही कर रहा था तो मेरी MBs खत्म हो गई दादा इंतकाल कर तो इंटरनेट का कनेक्शन ही टूट गया भाई, खत्म हो गया, सिग्नल ही नहीं आ रहे, खत्म हो गए ना नेट के पैकेज, दादा का भी कनेक्शन टूट गया। तो ये तो इंटरनेट पे भी आजकल भरोसा नहीं करना चाहिए, अपने वो क्या है कि अपने चैनल को चमकाने के लिए खामखा की बातें बता देते हैं, वो मिलाओ ये मिलाओ चेहरा अच्छा हो जाएगा, रंगत अच्छी हो जाएगी, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं, अक्सर चेहरा काला हो जाता है इन चक्रों में, जैसा था उससे भी गया। रेल नूर पे चट्टू थी उदास नहीं है यार। जब तक कोई यूज करते रहेंगे क्रीम तो वो सही रहेगा, जैसे छोड़ेंगे उसे ज्यादा खराब हो जाती है स्किन ना। अच्छा बाद में कहते हैं कोई फार्मूला वगैरह यूज करती है, कुछ भी नहीं, नेचुरल ब्यूटी क्या बात है। अच्छा बाद लोग कहते हैं कि बचपन में बहुत गोरा था मैं, हालात ने काला कर दिया। ये भी होता है, अगर बंदा स्ट्रेस लेता रहे तो वो आपकी स्किन के ऊपर आपके बॉडी के ऊपर बड़ा इफेक्ट करता है। धूप में घूमता रहा बड़ा हो गया तो जा रहे धूप में भी जा रहा है, काम भी कर रहा है, कहीं पर रोशनी, कहीं पर गर्मी, कहीं पर सर्दी, तो वो तो फर्क तो वैसे नींद से भी सेहत पे असर पड़ता है, पानी पीने से। आपको बताऊं कि नींद जो है 7 घंटे पूरी नींद है, इसके बाद सोना जरूरी नहीं है। हम लोग तो दोपहर में भी सो जाते खाना खाकर, शाम में भी नींद आई सो गए, ये नहीं 7 घंटे गाड़ी में मतलब गाड़ी में सो जाते हैं, मतलब एक्सीडेंट कर दिया। नहीं नहीं वो साथ में अगर कोई बैठा हो तो वो सो जाता है ड्राइवर को, फिर उसको देख के नींद आती है। ये होता है, हमारी फैमिली रहती है सुबह भी उठते हैं, दोपहर को जरूर 2 घंटे सोना है। अच्छा। एक भाई मैं वो नहीं सोता, मैं बोलता क्या प्रॉब्लम है तुम लोग, बोले जब तक दोपहर को सोए नहीं सुकून नहीं मिलता। अच्छा भाई बहन एक तो डॉक्टर साहब एक बात मुझे बता दें, दोपहर का खाना खाते हैं जैसे ही उस खाने में पता नहीं क्या नशा होता है, दोपहर का खाना खाने के बाद मतलब वैसे ही नींद आ जाती है, बंदा कंट्रोल नहीं कर पाता। देखें एक तो बचा लो ब्लड प्रेशर की बात हम कर रहे थे, वो तो हर एक में तो नहीं होता कि उसको नींद ज्यादा आती है, लेकिन वो 7 घंटे की नींद पूरी नहीं होती, इसका मतलब है। अच्छा अच्छा वो रात के 12-1 बजे सोता है और सुबह जल्दी उठ जाता है बहुत ज्यादा। अच्छा। या फिर 3 बजे सोता है तो फिर वो 7 घंटे पूरे नहीं होते। 7 घंटे अगर पूरे होते हैं तो मैं समझता हूँ कि उसको नींद में नहीं आएगी, दोपहर में नहीं आएगी। अच्छा वो खाना खा के कैलूला कर सकते हैं, कैलूला मीन्स आराम, सोना जरूरी नहीं है। अच्छा रेस्ट रेस्ट आप दें बॉडी को, फिर आप चूके। लेकिन इतनी नींद आती है इतनी कि बस वो इशाद वाली बात है, खाना खाओ दिल करता है बर्तन और दस्तरखान भी कोई उठा ले, बस हम थोड़ा सा पीछे खिसके और तकिया लगा के लेट जाए। ज्यादा मत खाए ना, उठने की भी हिम्मत ज्यादा खाने की वजह से नींद आती है। देखा आपने, जो आप एक रोटी खाते हैं उसको आप सवा कर दे, 4 हमें छोड़ दे। मैं आपको बताऊं कि पिछले प्रोग्राम में मैंने एक बात कही थी कि नाश्ता करना चाहिए, इतनी सारी रोटियां 7-8 रोटियां और रात का खाना खाएं, आप दोपहर को छोड़ दें सलाद खीरा फ्रूट एंड, अगर आप स्मार्ट रहना चाहते हैं। अच्छा आप तो मुझे ये बताइए, आपदा से पूछ लेते हैं, आपदा से पूछ लेते हैं, आप रात को खाएं, रात को खाएं, सुबह खाएं, दोपहर में ना खाएं। आपदा आप मुझे ये बताएं कि आप खाना खाती हैं या देखती हैं, मुझे बताएं। मैं तो तीनों टाइम खाती हूँ, सुबह नाश्ता भी, दोपहर को भी, रात को भी। लगता नहीं है, लगता नहीं है, नहीं मतलब दिखने में भी नहीं लगता, वो खाना भी नहीं लगता। अच्छा जी बिल्कुल, तटके खाती हैं बिल्कुल या थोड़ा सा खा लिया खाती हैं खाना। अच्छा चावल भी, इतनी कितनी रोटियां खाती हैं थोड़ा सा बता दें अंदाजा हो गया। एक रोटी से काफी है, एक रोटी का कम है ना, तभी तो वेट कम है। जब भी वेट अच्छा मेरी खुराक भी एक रोटी है, मैं भी एक। अच्छा हां एक से रोटी इतनी बड़ी हो गई। रोटी की साइज हो सकता है कि रोटी बड़ी है, वो रोटी ये वाली नहीं, वो इतनी बड़ी वाली रोटी। आप क्वेटा चले जाएं वहां पर तो भाई बहुत बड़ी रोटी, ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी बनाते हैं, इतनी बड़ी रोटी होती है 4 बंदे खा रहे और हम एक ही खा सकते हैं मुश्किल से। देखिए सही सही तो साइज होता है ना, आप खाने का हजम कितना है आपका, हजम इस उसका वॉल्यूम। अच्छा बहुत सारे लोग होते हैं कि खाना कम खाते हैं लेकिन सारा दिन खाते रहते हैं कुछ ना कुछ, मतलब किसी ने ये बिस्किट दे दिया, किसी ने भाई मूंगफली दे दी, किसी ने ये दे दिया, सारा दिन खाते रहते हैं। अच्छा भुने हुए चने आते हैं ना पीले, उसका खाना बेहतर है। अच्छा डायबिटिक्स से आप बचोगे, हाइपरटेंशन से बचोगे, उस चनों से भूख मर जाती है, फिर खाने की भूख नहीं। अच्छा है ना, वो भी विटामिन है उसके अंदर भी।
आयरन उसमें भी चलेगा। एक वेलो टरी भी लो। क्या बात हो गई, अल्लाह माफ करे। अभी चलोगे? सबर नहीं आता जब तक खाना नहीं खाओ, सबर ही नहीं आता। खाना हम लोग जो ना जिंदगी खाने खाने पर ही लगा देते हैं। सुबह का नाश्ता भी चाहिए, दोपहर को भी खाना है, शाम को चाय बिस्किट, रात को भी खाना। खाने खाने में ये जिंदगी जा रही, जबकि जिंदा रहने के लिए खाना चाहिए। सही सही। लेकिन कुछ लोग खाने के लिए जिंदा रहते हैं। भाई वही तो गलत है ना। सही 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 बात। मोटापा होगा, सब कुछ होगा, स्किन भी खराब होगी, बहुत सारे मसले होंगे। सही बात है, सही बात है। कम खाया करो। मैं मीठे का बहुत शौकीन हूं। देखा, मीठा इतना खाता हूं आपसे ज्यादा। कितना अच्छा मीठा, मुझे भी ज्यादा मीठा पसंद है, लेकिन इतना नहीं। हेलो प्रोग्राम में जो वक्त पानी पुजानी थे पूछण और अखबार डिजिटल छाती चे ता के थोर बुधाए छ। बिल्कुल। आज अखबार डिजिटल में जो खबरों लिखी हुआ है ने लिखला है ने, उनमें सब का पहले जो लीड खबर आए तो मुल्क में जिंसी ज्यादती के जवाबदारन के नामजद करने जो कानून आने की मंजूरी, फाई की हिमायत। अॼु जेका तारीख़ आहे उहा आहे 25 नवंबर 2020, अरबा जो ॾींहुं आहे, ऐं 9 रबीउल सानी 1442 हिजरी। अख़बार सिफ़ा 8 क़ीमत इन अख़बार जी 20 रुपया हूंदी आहे। पाकिस्तान में कोरोना खां बचाव लाइ वैक्सीन तयारु करण जो अमल शुरू थी वियो आहे। मुबारक हुजे तव्हांखे बि, ऐं तव्हां इलाही माना घबरायल आहियो कोरोना खां। अलाह सभई घबरायल आहियूं। सो पाक फ़ौज पारां भारतीय रियासती दहशतगर्दी ते गणतीअ जो इज़हार, सी पी ए खे नाकाम बणाइण जी साज़िश खिते जे हुन ते हमिलो करार, इहा बि ख़बर आहे अॼोकी अख़बार में। शबली फराज साहब चए थो नवाज शरीफ, इसहाक डार ऐं हुसैन नवाज़ मथां पाकिस्तान अचण ते का पाबंदी नाहे। अचनि त पोइ हुनखे ॾिसंदासीं, इहो मां थो चवां वरी, इहो लिखियलु नाहे। हुन चयो पाबंदी नाहे, माना इहो माना हुनखे चवंदा तूं मसलो नाहे, अचो अचो। हाणे उहो हाणे एॾा चरिया थोरी आहिनि जो ईंदा, बाबा विया हलिया हाली न। आवाम लापरवाही पियो करे, कोरोना जी ॿी लहर ख़तरनाक साबित थी सघे थी, असद उमर साहिबु चवे थो। तालीमी इदारा 26 नवंबर खां 10 जनवरी ताईं बंदि रहंदा, तव्हां बि स्कूल न वेंदव। सही आहे न। सरकार सिंध यूनिवर्सिटी जे वी सी फतेह प्रोफत जी जबरी मोकल वारो नोटिफिकेशन वापसि वठी छॾियो, ऐं सखर में कब्ज़ा हटाइण लाइ ऑपरेशन कंदड़ अमलदारनि जूं बदिलियूं रोकण जो हुकुम। ऐं इन खां सवाइ मुल्क में कोरोना वधीक 48 हयातियूं गड़काए वियो, 2954 नवां केस ज़ाहिर। सो इहो गणती वारी सूरत आला एहतियात कयो, ऐं मज़ाक पंहिंजी जॻह ते, खिल पंहिंजी जॻह ते, पर इंतिहाई हसास मामिलो आहे। अलाह न करे कंहिंजो को घर जो फ़र्दु जेकॾहिं हिन ख़ासि मूज़ी मर्ज़ में मुबतला थिए थो त पूरो घर डिस्टर्ब थिए थो, ऐं जेकॾहिं कमाइण वारो हिकु आहे उहो बि हिन मर्ज़ में मुबतला थी वञे त इलाही सारी परेशानीअ जी ॻाल्हि आहे। सो महिरबानी करे एहतियात कयो, ॿाहिरि जॾहिं वञो था, घर जॾहिं वापसि अचो, त ॿारनि खे भाकुर पाइण खां, ॿारनि खे छुअण खां, ॿारनि खे प्यारु करण खां पहिरियां पंहिंजो पाण खे पूरो वॉश कयो, बाक़ाइदगी सां, जीअं सवली सिंधी हुजंदा आहिनि न, सर्विस कबी आहे गाॾीअ जी, ईअं पाण खे बाक़ाइदा वेझारे वठो, उनखां पोइ वरी ॿिया कम। सो ख़ुशबू ऐं मोहबतुनि जी शाइरा परवीन शाकिर जी 68 सालगिरह। ऐं परवीन शाकिर 24 नवंबर 1952 ते कराची में पैदा थी, नंढी उमिरि में हुन शाइरी कई, ऐं शाइरी दुनिया में खेसि अहमद नदीम कासमीअ जहिड़े अदीब जी सरप्रस्ती हासिलु थी। उहो परवीन शाकिर जो शेर ॾाढो ज़बरदस्त आहे, इस शर्त पे खेलूं गी पिया प्यार की बाज़ी, जीतूं तो तुझे पाऊं, हारूं तो पिया तेरी। वाह वाह, खटे तॾहिं बि फ़ाइदो हुनखे, हाराए तॾहिं फ़ाइदो हुनखे। सो इन खां सवाइ जेकी ॿियूं ख़बरूं आहिनि त चंड तां सैंपल आणण लाइ चीन जो रोबोट मिशन रवानो थी वियो, चंड ते रवानो थी वियो अथव। ऐं माहिरा ख़ान 100 बासर औरतुनि जी लिस्ट में शामिलु थी वई आहे, इहा बि अॼोकी अख़बार में ख़बर आहे। ऐं इन खां सवाइ बाबर एज़म मैच ख़तमु न करण जो टेग हटाइण जो ख़्वाहिशमंद। रांदियुनि जूं ख़बरूं बि अॼोकी अख़बार में आहिनि, अॼोकी अख़बार में आर्टिकल्स बि ॾाढा ज़बरदस्त आहिनि। ऐं अपोज़िशन आख़िर छा पई चाहे, एडिटोरियल आहे अॼोकी अख़बार जो लिखियलु, डीजल लोक वीचार बि अॼोकी अख़बार में, आलमी वाल सवाल आहे, ऐं ॿियूं सारियूं खोड़ सारियूं ख़बरूं जेकी तव्हांजे इलाइक़े में ख़ासि तौर ते जेकी कमु थियनि पिया उन्हनि जे हवाले सां बि अख़बार रिपोर्ट कंदी आहे। सच जी ख़बर हूंदी आहे, हर ख़बर सची हूंदी आहे, तस्दीक थियल ख़बर हूंदी आहे। रोज़ाने जी अख़बार पाण पढ़ंदा कयो। आख़िर में डॉक्टर साहबु कोई मैसेज ॾियणु चाहेंगे? हाँ, मैसेज तो जिस मौजू पर हमने बात शुरू की थी, जी जी, इनफर्टिलिटी बांझपन, इसका इलाज मैं बताता चलूँ कि होम्योपैथिक में इसका बहुत अच्छा इलाज है। सही सही। आप IVF से और दूसरे जो प्रोसीजर हैं टेस्ट ट्यूब बेबी से, उससे आप बच सकते हैं। अगर जो इसमें शर्त ये है कि मेल फीमेल दोनों ही मुत्तफिक हो। सही सही सही। मेल बाहमी रजामंदी हो, अच्छा मेल अपना टेस्ट नहीं करवाते इसलिए कि खातून को पता लग जाएगा कि उसके अंदर एक कमजोरी है, मतलब टेस्ट करवाना चाहिए और इलाज करवाना चाहिए। सही। अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। सही बात। सेहत है तो सब कुछ है। सही सही। हेल्थ इज वेल्थ। ऐसा आप कुछ कहना चाहेंगे आखिर में? खुश रहे, अच्छा खाएं, हेल्दी खाएं, खुश रहने दे दूसरों को भी, दूसरे जी और जीना दो बस। आपदा क्या कहेंगे आखिर में? बोला आपने भी बहुत ही कम बोला है।
बस यही है कि ठीक है, बस अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे सबके, सबके घर में कोई परेशानी ना हो, बस ये कि सब खुश रहें और दूसरों भी खुश रहने दें। सही सही है, वरम सही तहां जी बड़ी मेहरबानी। आखिर में भी देवी देवता को कलाम बुलंदा जी मैसेज कलाम में गाने में स्टाइल जो सेंडल लाडो जबरदस्त है। मार्केट में 170 उन जा आउटलेट्स हैं, 50 का वधिक शहर में मुख्तलिफ उन वैरायटीज हैं, मुख्तलिफ जबरदस्त डिजाइनिंग में सेंडल मौजूद हैं। तुम ईद पा चव तो ही सेंडल वा ही वा ही ही वा ही ही वा मतलब एडी वैरायटी उन जबरदस्त है तक सदफ बुधाई है। शॉर्टकट में तक बुधाई मुख्तसर सजो प्रोग्राम तक बार बार शुरू के टाइम में स्लीपर्स के बारे में गुफ्तगू कर रहा है, लास्ट में स्टाइल हो ज्वेलरी कवच उनकी वैरायटी है उनके बारे में तक बुधाइंदम। तो उनकी ज्वेलरी भी इलाही खूबसूरत इलाही प्यारी है, कुंदन जो कम थियल हों में पर्ल्स हैं, रियल पर्ल्स भी ज्वेलरी उनकी स्टोन की एतरी क्वालिटी है, चप्पल हो चाहे उनकी पर्स में स्टोन हो चप्पल में स्टोन हो सैंडल में या तुम ये चीज उनकी ज्वेलरी में स्टोन हो नामुमकिन है जो स्टोन निकली वे बिना तुम जैसे एहतियात से हल्द हैंडिंग विथ केयर तुम जितनी उनकी केयर कद ओतरी तुम साथ उनसा गड लॉन्ग टाइम रहो जो चाहूं पाऊं जो स्लोगन है। परफ्यूम भी जबरदस्त मार्केट में स्टाइल जो मौजूद है, परफ्यूम लगाओ पान के खुशबूदार बनाओ। प्रोग्राम इतने पूरा थे तो हाँ प्रोग्राम जो अगत पुजान से पहुंचो इंशाला सुबह तुम्हारी खिदमत में वरी हाजिर हूँ तेस तीन होस्ट सदफ भुट्टो की इजाजत घरवारों जो जी तुम सा प्यार कन जिन तुम प्यार कह उन सभी खोड़ सारो ख्याल रखो। बारिश की मौसम लगी वही है लगे बल्कि थे पे बारिश पकौड़न गरम गरम पराठन से गुड मुख्य जरूर याद रखो दावत मुफ्तारी हो तो मैसेज कजो ता विदो मोकलाइंदो भाई मा इते छा वेई कंदो अच्छा गदना नास ना सदव मोकलाई इरशाद में मोकलाए तो पांजो ख्याल रखजो अल्लाह सई ता जी खुशी सलामत रखे जकी इन वक्त ता टहक देई रहयो आ उसा पे ते इलाही दोस्त है इलाही असन वदु भेनु असन प्रोग्राम रिसी करे चेहरे ते चमक भी इंदी आ चपन ते ता जी मुर्क भी खबर है मुर्क अच्छी हुई पकोड़ा जरूर ठंदा है सो इन मुर्क के मौला सलामत रखे हयाती बखैर सुभाने वरी नई प्रोग्राम में ता ये असन मुलाकात थिंदी सो केड़ी मोकलाणी आ भला जी लतीफ जी मीठी बोली सदाई गड राणा वो राणा रुसी मता जाना मुमल करई माणा मुमल करई माणा मुमल करई माणा राणा वो राणा वो मन हो मा तो अल्लाह तोके आंदो मोला तोके आंदो अल्लाह तोके आंदो मोला तोके आंदो अल्लाह तोके आंदो मोला तोके आंदो मन हो मन हो मन हो मा तो अल्लाह तोके आंदो मोला तोके आंदो अल्लाह तोके आंदो मोला तोके आंदो राणा वो राणा वो राणा वो राणा वो राणा वो राणा रुसि मता राणा मुमल करे माणा मुमल करे माणा मुमल करे माणा ठगो पेर पेरा ओ ठगो पेर पेरा ठगो पेर पेरा शाबे ठगो पेर पेरा ओ ठगो पेर पेरा ओ ठगो पेर पेरा ओ ठगो पेर पेरा ओ ठगो पेर पेरा ठगो जो मुल हजार ठगो पेर पेरा ठगो पेर पेरा ठगे जो मुल हजार ठगो पेर पोरा ठगो पेर पेरा राणावो 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 राणा राणा राणावो राणा ऋषि मता जाना मुमल करई माणा मुमल करई माणा मल करई माणा सुहणा माणू प्यारा माणू सुहणा माणू प्यारा माणू प्यार हजार सिंधी माणू सिंधी माणू सिंधी माणू बद
तेरा लखन में सोना मानू प्यारा मानू क्या भी हजार दिनी बाणू पतरा लखन में सोना मानू सुबह सुबह जो पकी अखेर माउड पखे संभाले निकरे थो इन सर जमीन सिंध ते जिए सजो घरे थो खुशहाली है अमन जो डे पैगाम मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन